السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबसे पहले मैं आप सभी का मुकदम इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी ने जो इंतजाम किया है आप सभी को मुबारकबाद तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि एक चीज वो है कि आज के दौर में जो जरिए हैं लोगों तक पहुंचाने के मीडिया है या और भी कोई दूसरे जरा है इन तमाम चीज़ों को अगर इस्तेमाल क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी जात में खैर या शर नहीं होती अच्छी या बुरी नहीं होती अपनी जात उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है तो आज जिस तरह से उस दुनिया में बेशतर लोग जो है वेबसाइट या दूसरी चीज़ों को कंप्यूटर को गलत इस्तेमाल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी चीज़ को आज अच्छे काम के लिए इस्तेमाल ले सकते हैं ले रहे हैं और लोगों तक दीन की दावत जितने कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएं ये आज एक इंटरनेट के जरिए मुमकिन है वेबसाइटों के जरिए मुमकिन हो चुका है बाहर अपने आप के जो मेरी पिछली माजी जिंदगी थी उसके वहां से शुरू करते हुए तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने वो चीजें जो मैंने अपने तालीमी दौर में जो कुछ मैंने पढ़ा मेरे उस्तादों ने पढ़ाया और उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं वो सब चीजें आपके सामने रखूंगा सबसे पहली चीज कि मैं जैसे आपने तो थोड़ा बहुत तो तारुफ सुन ही चुके होंगे एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ जो मेरे वालिदैन और मेरे तमाम के तमाम जितने भी खानदान हैं मेरे वालदा की तरफ से तिवारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं तिवारी यानी जिसे त्रिवेदी कहते हैं तीन वेदों वाले और मेरे वालिद साहब का जो खानदान है उसका जो सरनेम है वो है दुबे यानी जिसे द्विवेदी कहते हैं दो वेदों वाले अच्छा जो हिंदू धर्म की सबसे मुकद्दस जो इनके पास यूनिवर्सिटीज है उसमें सबसे पहले तो समाज को इन्होंने बांटा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार हिस्सों में और ब्राह्मण सबसे आला मुकाम पर बैठे हैं और इन वेदास को सबसे ऊंची किताबें बताई जब ये किताबें लिखी गई थी इनकी जो तारीख हमारे पास आज एट प्रेजेंट जो मौजूद है वो है तकरीबन 5,500 साल पुरानी किताब और उन किताबों के जो अध्याय जिसे हम चैप्टर कहते हैं वो कमोबेश 678 चैप्टर्स अध्याय एक एक वेदास और आज के दौर में जो वेदास मौजूद है मार्केट में वो 30 चैप्टर की वेदास है क्योंकि वक्तन फवक्तन जिस तरह से इन वेदास के अंदर तौहीद के बारे में बताया गया है अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वाकयात इनकी जो हिस्ट्री मिलती है तो जब इनके पास ये खबर जाती है तो इसको जो है वहां से निकाल दिया जाता है और फिर एक नया एडिशन प्रिंट किया जाता है जिसमें तमाम दलाइल को खत्म कर दिया जाता है तो आज जो वेदास मार्केट में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ 23 चैप्टर से लेकर 30 चैप्टर तक की वेदास आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी जो हिंदू धार्मिक विश्वविद्यालय गुरुकुल हिंदू धार्मिक विश्वविद्यालय ये जो बनारस के अंदर मौजूद है जिसे आमतौर से वहां ज्यादातर लोग काशी के नाम से जानते हैं तो वहां पर ये एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर की एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहां पर उनकी तालीम होती है और वहां पर सिर्फ ब्राह्मणों के 3 ऐसे कास्ट हैं जिनको एंट्री है उसके अलावा और कोई नहीं वो है त्रिवेदी यानी 3 वेद वाले जो मानने वाले हैं द्विवेदी जो 2 वेदों को मानने वाले और चतुर्वेदी जो 4 वेदों को मानने यानी जिनका सरनेम वेदा से ताल्लुक रखता है
सिर्फ उन्हें ही वो वेदास की तालीम देने के लिए वहां पर एडमिशन दिया जाता है। और वैसे ब्राह्मणों में 18 और अलग अलग जाते हैं, जैसे मिश्रा है, गर्ग है, चौबे है, और तकरीबन एक चीज, जितने ज्यादा स्टेट्स हमारे पास हिंदू धर्म की, धर्म नहीं ये एक कल्चर है, जो धर्म के कुछ बड़े समाज के ठेकेदारों ने बैठकर, जो आला ओहदों पर फाइज थे उन्होंने बैठकर कुछ कानून और जाबिते बनाए समाज के और धर्म के, कि उन पर हमेशा काबिज रहने के लिए। तो उन लोगों ने एक कानून भी बनाया जो धर्म का, वो स्टेट बदलते ही वो कानून और वो धर्म चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एक आप देखें इंडिया का एक पार्ट है जो है साउथ की तरफ और एक है नॉर्थ की तरफ। जो उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म है, आप वही हिंदू धर्म दक्षिण भारत में आप बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं 10 साल से दक्षिण भारत में हूं, साउथ इंडिया में काम कर रहा हूं, और बचपन मेरा 20 साल तक उत्तर भारत में गुजरा है। तो वहां के जो धर्म थे हिंदू धार्मिक रसूमात को जो बचपन से मानते थे या उनको करवाते थे पूछते थे, आज यहाँ पर जब आए हैं और लोग वहां पर जो हिंदू धर्म की रस्म रिवाज को मान रहे हैं, बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ। वहां के देवी देवताओं के जो नाम है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। उत्तर भारत में अगर राम कहते हैं तो यहाँ पर रामणु कहते हैं, साउथ इंडिया में लक्ष्मण है तो लक्ष्मण, वहां पर काली को जो हिंदुओं की एक देवी है जिसको काली माता कहते हैं, तो यहाँ पर जो है समक्का या सारका के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से नाम बदल जाते हैं, उनके तरीकेकार भी जो है बदल जाती है, किताबें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि उनके जो किताबों में पढ़े जाने वाले जो मंत्र हैं वो भी बदल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि किताबों से संस्कृत का जो लफ्ज है वो निकाल कर आधे से ज्यादा वहां की जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है तेलुगु वो ज्यादा मिल सकता। जिस तरह से कुरान के अंदर जो सूरह फातिहा है और हिंदू धर्म में भी एक सूरह फातिहा है, आपने मेरे कैसेटों को जो सुना हो तो आपने देखा होगा, मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ किस तरह से। गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा लोगों, ये कोई भी काम हो हिंदू धर्म का, कोई भी पूजा हो, बच्चा पैदा हो तो उसका नाम करना हो, या किसी का इंतकाल हो गया हो तो वहां पर उसका जो है संस्कार करना हो, ये श्लोक हमेशा पढ़ा जाता है। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है इसका जो अर्थ है, इसका जो माना है, ओम यानी कि, यहां से पहले एक एक शब्द को आपके सामने क्लियर करता चलता हूं। हिंदू धर्म में तीन बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन आम तौर से जो हिंदू भाई हमारे हैं उनको जो सिखाया गया है उनके गुरुओं के जरिए, उनके असलाफ के जरिए, कि ब्रह्मा जो लफ्ज आते ही उनके जहन में पिक्चर आती है, एक तस्वीर आती है कि एक शख्स सफेद दाढ़ी जिसकी तीन सर हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ है, तीन तीन हाथ हैं एक तरफ, इसको कहते हैं ब्रह्मा। लेकिन ये संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत जबान के अंदर इस ब्रह्मा का अर्थ होता है, मैं यूं ऐसे समझाऊं कि जिस तरह से अरबी जबान में कुछ गर्दान होती है, ग्रामर होती है, उस ग्रामर को सीखने के लिए उसकी एक गर्दान होती है। किताब नमूर सब जो पढ़े हुए हैं उन आलिमों को बेहतर मालूम होगा, फाला फालो फालक फालता फालना फालता फालतुमा फालती फालतुमा फालतु फाल, इस तरह से जो गर्दान होती है संस्कृत जबान में भी एक गर्दान होती है, रामा रामे ही रामो रमंती रमश्यंती रमत्तम रमस्याती रमस्योत्तम रमयंती। तो ये जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंगुलर प्लूरल एक वचन दो वचन बहुवचन, ये एक जबान है, जब आप इसको समझें तो वो सारी चीजें आपको समझ में आती कि उस जबान में क्या कहा जा रहा है। आमतौर से हम अगर कोई संस्कृत में सब बात करता था या कोई श्लोक पढ़ता था हमारे एक कराहियत सी महसूस होती है क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मीनिंग हमको नहीं मालूम। और आमतौर में उस धर्म के मानने वाले लोग 98% से ज्यादा लोग वो जो पढ़ रहे उनको खुद नहीं मालूम कि क्या पढ़ रहे, वो सिर्फ यालमुन तालमुन जिस तरह से जो है
तोता मैना रट लेता है कुछ चीज, उस तरह से वो भी रटे हुए। तो ब्रह्मा के माने होते हैं पंच तत्व को मिलाकर, पंच तत्व ने जमीन आसमान की जो पांच चीजें हैं वो, एक आसमान, दूसरी जमीन यानी गगन, वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती, ये पांच चीजों को मिलाकर जिसे पंच तत्व कहा जाता है, इसे मिलाकर एक संसार बना है, एक कायनात बनी है, एक प्लैनेट बना है, एक यूनिवर्स बना है, प्लैनेट नहीं बल्कि एक यूनिवर्स जो बना है। तो उसको बनाने के लिए, उस बनाने की जो क्रिया है, एक काम करने वाले को खाली जिसे हम कहते हैं, यानी कि बनाने वाला, किसी भी चीज को ऐजाद करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मा के माने हुए क्रिएटर। विष्णु, फिर वही एक तस्वीर जहन में आती है कि सांप की जो समुद्र के ऊपर शेष नाग है, उस शेष नाग की जो पांच सात जो फने होती हैं वो ऊपर से छांव किया हुआ है, एक आदमी जो है सो रहा है और एक लक्ष्मी जो विष्णु है वो सो रहे हैं और लक्ष्मी उनका पैर दबाए। आमतौर से ये तस्वीरें आपने देखी होंगी लोगों के पास। तो जबकि इसका ये अर्थ नहीं कि विष्णु का मतलब विष्णु भगवान को जो है याद किया गया, इस विष्णु का जो अर्थ होता है विश्व धन आयस विष्णु, यानी मैं जो संसार की रचना करने के बाद इसी संसार की, इस विश्व की रक्षा करने वाला भी हूं, यानी खुद ईश्वर अपने बारे में कह रहा है कि मैं विष्णु हूं। आमतौर से लोग विष्णु बोलते थे लेकिन विष्णु लिखने में नहीं आता, कि आप जब लिखेंगे तो वाव के साथ में उसकी जो छोटी मात्रा है और लास्ट में जो दो पॉइंट्स आते हैं उसको हिंदी संस्कृत भाषा का जो उच्चारण होता है, तो से जो कुरान जो पढ़ते हैं कौन सा हुफ किस जगह से निकलना चाहिए, उसे अगर वैसे ही वरतल जिस तरह से आप कुरान को कुल बातरतीब से पढ़ें और जिस तरह की वो नाजिल हुआ उसी अंदाज में आप पढ़ें, वरना अगर आप अपने अंदाज से पढ़ेंगे तो उसके मायने बदल जाते हैं। उसी तरह से विश्व नु इस तरह से पढ़ना चाहिए, यानी कि ईश्वर भगवान, भगवान नहीं, भगवान तो एक अलग चीज है, वो बात नहीं है, ईश्वर, क्योंकि वेदास के अंदर जो इसे हम अल्लाह कहते हैं उसका नाम है ईश्वर, परम शक्तिमान, यानी जो सुप्रीम पावर, सारी शक्तियां जिसके पास है, और जो अजन्मा यानी जिसने कभी किसी से जन्म नहीं लिया, ये लफ्ज वेदास के अंदर आया है। 33 करोड़ में से किसी एक इनके भगवानों का नाम वेदास के अंदर मेंशन नहीं है, ये पहले आप अपने जहन में क्लियर करें। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं वो है 33 करोड़ में से किसी एक का नाम भी वेदास के अंदर मेंशन नहीं है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ईश्वर, परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो जिसका कोई रूप रेखा नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ये चीजें हैं। तो अब यहां पर जो है विष्णु के माने विश्व की रक्षा करने वाला, हाफिज जिसको हम कहते हैं, हिफाजत करने वाला। अल्लाह ताला हर चीज की हिफाजत कर रहा, कायनात की हिफाजत कर रहा और कायनात के साथ जितनी भी मखलूकात हैं उसमें अशरफुल मखलूकात इंसान के हैं, हर चीज की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। महेश महाधनकार ये आयश, यानी कि किसी भी चीज को बनाकर उसको तबाह करना, उसको मिटा देना, उसको प्रलय ले आना, उसको विध्वंस कर देना, खत्म कर देना, ये उसके मांगे हैं। जिससे अल्लाह की एक सिफात है जुन इंतकाम, आमतौर से हमारे पास भी जो है ना अल्लाह को सिर्फ रहमान और रहीम समझे, बेशक अल्लाह रहमान है लेकिन गलती करने पर अल्लाह ताला सख्ती से पकड़ने वाला भी है, ये हम ना भूल जाए, क्योंकि हम इसी जाम में अगर रहें तो फिर गुनाह भी होते रहे और तौबा भी करते रहे, फिर तौबा करें फिर गुनाह करते रहे, ऐसा नहीं। अगर हमसे जो है सबसे बेहतरीन तौबा वो है जो तुबु इलल्लाह तौबतुन नसुहा, सच्ची तौबा हो, अल्लाह का वो तौबा अल्लाह बेहद पसंद करता है। तो महेश के माने हुए विध्वंस करने वाला, यानी तबाही लाने वाला, यानी इस कायनात को बनाने वाला
बनाने के बाद अल्लाह ताला इसको एक दिन खत्म कर देगा, कयामत जिसे नहीं करता। तो ये है इस चीज के मान। अब अगर इसी चीज को, इन तीनों सिफातों को एक जगह जमा कर दिया जाए, आमतौर से अरबी जबान की भी एक बहुत खास खूबी यह है कि 20 सफे का जो मजमून है आप उसे आधे सफे के अंदर भी सेट कर सकते हैं, एक सफे के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप ला सकते हैं। ये अरबी जबान की बड़ी खास खूबी है, एक उसको जितना इलाबोरेट करना चाहे उतना इलाबोरेट करें, और जितना उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना चाहें उतना आप शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। संस्कृत जबान भी इसी तरह से है, यानी ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन सिफात हैं ईश्वर की, इसको एक ही वर्ड के अंदर समेटा गया, और वो है ओम। आमतौर से ओम के माने जो जहन में जो लोगों के आते हैं, और खुद हिंदुस्तान के मानने वालों के जो जहन में आते हैं, वो एक अलग चीज है। ओम जो है शंकर का जो है नाम है, ऐसा नहीं। तीनों ये जो सिफात है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को मिला करके एक कहा गया, वो है ओम। तो इस संसार की रच ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यम्, ऐ इस संसार की रचना करने वाले परम ईश्वर तू मेरा सही मार्गदर्शन कर, सच्चे राह पर ले चल, वह राह जो स्वर्ग की ओर ले जाता हो। तत् सवितुर् वरेण्यम्, ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ ईश्वर तू मेरी हिफाजत कर, मुझे बचा द्वेष घृणा क्रोध, यानी किसी से हसद से जलन से और लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से तू मुझे महफूज रख। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैर मग़दूब अलैहिम वला दाललीन, ये इसका मतलब है। ये चीजें हर उस आचार्य को मालूम है जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाता है, उसके अलावा और किसी को, जो संस्कृत जबान से बखूबी वाकिफ है, जिन्हें ग्रामर आती है संस्कृत जबान की, वो इन वेदास के अंदर जितनी भी तौहीद की बातें हैं इन तमाम चीजों से बहुत अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेदास के अंदर नाम आया है, शुरू जो है हिस्ट्री जो हमें मिलती है वो है नूह अलैहिस्सलाम से। एक तो हमारे पास जो हिस्ट्री है कुरान के अंदर वो आदम अलैहिस्सलाम से, आदम के एक कॉमन वर्ड जो दिया गया है आदम की औलाद आदमी, और जो वेदास के अंदर जो हिस्ट्री मिलती वो मनु है, मनु की संतान मनुष्य जो उनके पास एक कॉमन वर्ड है। प्रपंचम संसारम मनुष्यादि ही मनुष्यम मने मनु, यानी इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं जितने भी इंसान हैं वो सब के सब मनु की संतान हैं, और वो मनु वो है जो सारे मनुष्यों के पिता हैं, और वो एक ईश्वर की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं। ये उस श्लोक का मतलब है। तो यहां से जो हिस्ट्री मिलती है मनु से, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम से, उसके बाद फौरन आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन का कुछ थोड़ा वाक्य, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक श्लोक है ऋग्वेद जो उसका अध्याय है वो है 128 श्लोक का नंबर 19 से 21 तक, वो ये है अब्राहम अलस्यामि मनस्यते परित्रपाणाय ईश्वराय, यानी कि इब्राहिम एक बालक जिसका नाम इब्राहिम है, वो जब गगन की तरफ देखता है और लोगों के संसार की तरफ देखता है तो पत्थरों की तरफ भी वो देखता है और इंसानों की तरफ देखता है कि उसमें उसको कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता। वो ढूंढ रहा है, वो तलाश कर रहा है एक अंतर जो ईश्वर और मनुष्य के दरमियान हो, यानी इंसानों में और खुदा में एक फर्क ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, ईश्वर भी वही है इंसान भी वही है दोनों एक जैसे। क्योंकि आमतौर से जो धारणा है जो लोगों का विश्वास है, जैसा लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में नर को ही नारायण कहा गया, हर नर में बसते नारायण, आमतौर से जो आजकल के जो बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं उनके जो प्रवचन आते हैं वो कहते हैं नर में बसे हैं नारायण,
यानी कि आपको कहीं ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तलाश मत करो, कौन हकीकी इस कायनात का खालिक है आपको जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर बैठे रहिए आप, क्योंकि आपको बांधना चाहते हैं, आपको अपने डगों में हमेशा छुपाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि नर में बसे नारायण, आप इंसान हो ना, आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही सब भगवान, क्यों तलाश करते हुए इधर जाते हैं। और बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, जैसे आपने आशाराम बापू का नाम सुना होगा, उनका एक अंदाज है, मैं यह जानता हूं कि संसार की रचना करने वाला एक ईश्वर है, पर इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य और मानव हैं, उन तमाम मनुष्य और मानव के अंदर भीतर खुद ईश्वर बसते हैं, उस ईश्वर को आप कैसे देखते हो, आप अच्छे कर्म करते हो तो वो ईश्वर है, ईश्वर के जरिए ही, ईश्वर ही आपको अच्छे कर्म करवाते। तो ये जो अंदाज होता है इनका साइकोलॉजिकली, इन्हें जहन को मोल्ड करने वाला, ये जो होते हैं धर्म के बड़े, ये बड़े ज्ञानी होते हैं, आप यकीन मानिए बेहद ज्ञानी होते हैं, इन्हें ये हुनर सिखाया। जब हम पढ़ते थे 4 साल में मुझे जो है उस धार्मिक विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला दिलाया गया। मेरे घर के अंदर मेरे खानदान में 3 बड़ी बहनें हैं मेरी, मैं घर में अकेला सबसे छोटा बेटा हूं मेरे वालिदैन का। मेरे घर के अंदर पॉलिटिक्स पार्टी के हर वो सरबराह मिलेंगे, मेरे घर के अंदर किसी स्टेट के वजीर आजम से वजीर आला से लेकर वजीर तालीम, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एडवोकेट, ये सब मेरे घर के अंदर मिलेंगे। मेरे घर के अंदर 2 सियासी जमातें, एक तो कांग्रेस दूसरी बीजेपी, मेरे दादा और मेरे वालिद दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मेरे दादा बीजेपी के जो है स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद वाले साहब जब सियासत के मैदान पे आए तो जबलपुर एक मध्य प्रदेश में इलाका जहां से 35 साल तक वो बीजेपी से एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनका नाम गोकुल प्रसाद दुबे दुबे थे। और मेरी वालिदा ये कांग्रेस से ताल्लुक रखती हूँ क्योंकि उनके जो वालिद मेरे नाना वो भी कांग्रेसी हैं और बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के, तकरीबन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में वो पॉलिटिक्स में इंटर हुए थे, दाखिल हुए थे, और इंदिरा गांधी के जमाने में बेहद उरूज पे थे, और उस वक्त जो है 2 बार सेंट्रल होम मिनिस्टर बने, 2 बार यूपी के सीएम बने, और अभी उत्तरांचल के सीएम एट प्रेजेंट नारायण दत्त तिवारी साहब, ये मेरे नाना होते हैं, मेरे खास नाना। उनकी जो बड़ी साहिबजादी है मेरी वालदा मोहतरमा सरस्वती देवी, ये खुद मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उनकी कैबिनेट में 9 साल तक वजीर तालीम रही थी। तो ये मेरे खानदान का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरी जो बड़ी बहन है आज भी जबलपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर है, आशा गोपाल दुबे उनका नाम है। एक बहन डॉक्टर है, एक बहन वकील है सविता दुबे ज्योति दुबे, मैं अकेला सबसे छोटा। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं बड़ी मन्नतों को और मुरादों के बाद पैदा हुआ, यानी कि मेरी सबसे छोटी बहन पैदा होने के कमोबेश 7 साल के बाद। तो उनकी एक मन्नत थी कि बेटा पैदा हुआ तो हम इसे जो है धार्मिक रास्ते पर ले जाएं, धर्म के रास्ते पर, रिलीजियस स्टडीज में जो है डालेंगे। उनकी मन्नतों के साथ हम जब दुनिया में आए, जिस तरह से जब जिस उम्र में लोगों को नर्सरी की क्लास में डालते हैं बच्चों को, उस उम्र में मुझे धार्मिक गुरुकुल धार्मिक विश्वविद्यालय काशी के अंदर दाखिल में 4 साल की उम्र में, 10 साल वहां पढ़ा मैं, वेदास की तालीम हासिल की, और 14 साल की उम्र में जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी डिग्री होती आखिरी लास्ट एंड फाइनल डिग्री वो है आचार्य। उसके बाद आप जिस जगह पर यानी 4 पीठ हैं वहां के आप हेड बनते तो शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन जो डिग्री होती है जिसको पढ़ने के बाद उस शंकराचार्य डिग्री सीट के जो काबिल हो जाता है वो है आचार्य। तो आचार्य की हमको डिग्री मिल गई, शान मिल गई, लेकिन वहां पर अब अंदर की चीजें देखिए कि तालीम जब हमारी मुकम्मल हुई शक सुबह वहां से पैदा हुआ,
जो बीज बोया गया दिल में वो ये चीज थी कि बचपन से हम पढ़ रहे थे, जिस तरह से हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे, बड़े दिल जमाए के साथ हम जो पढ़ा रहे थे पढ़ते चले आ रहे थे। जब लास्ट एंड फाइनल ईयर आया और सब कुछ दिनों के बाद सनद मिलने वाली है, आचार्य की डिग्री मिल जाएगी, धर्म के धार्मिक गुरु कहलाएंगे, तो वहां पर मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो वहां से फारिग होने वाले थे कि अब आप दुनिया में तो जा रहे हो, लोगों के धार्मिक गुरु कहलाओगे, लेकिन आप दुनिया में जाने के बाद, लोगों के बीच जाने के बाद आप वेदास का प्रचार नहीं करोगे। कंप्लीटली जो आपने यहाँ पर वेदास पढ़े हैं, ये आपको उस ज्ञान को देने के लिए, वह इन आपको देने के लिए हमने जो पढ़ाया, पर आप लोगों के समक्ष, लोगों के सामने आप वेदास का प्रचार सख्ती के साथ मना किया कि आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो कसम भी वहां ली जाती है कि आप जो है वेदास का प्रचार नहीं करेंगे। फिर आप हम करेंगे क्या, आप रामायण पाठ कीजिए, भगवत गीता का पाठ करवाइए, इस तरह से आपने कभी सुना होगा हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग कभी अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, 3 दिन तक रामायण चलती रहती है, कहीं भगवत गीता पुराण का जो है प्रवचन हो रहा है। यानी हिंदू धर्मों में ये दो चीजें आपको ज्यादा सुनाई दें, लेकिन कहीं पर भी आपको वेदास का प्रवचन होता हुआ, वेदास के बारे में समझाते, वेदास का लेक्चर होता, ये आप कभी नहीं सुनेंगे। कभी आप ये सुनेंगे फला जगह पर फला गुरु आ रहे हैं, वो भगवत गीता का पाठ करेंगे, फला जगह पर फला गुरु आ रहे हैं, वो जो है अखंड रामायण पाठ करेंगे। अखंड रामायण मतलब जब तक रामायण खत्म नहीं हो जाते जब तक उसको पढ़ते ही रहना, चाहे रात हो या दिन, बंद नहीं होती हो। तो इस तरह से ये पाठ होता है। अब ये चीज शक हुआ जब ये चीज हमको 10 साल इसी को पढ़ाया गया और बाहर निकलने के बाद इसी का प्रचार यानी इसी का प्रोपगेशन करने से रोका जा रहा, वजह क्या है? जहन में बच्चे थे तो कुछ हमारी उम्र थे और भी, उन्होंने भी सवाल किया कि आचार्य गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि क्यों ना हम इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा अगर आप इस वेदास का प्रचार करेंगे तो आपके समक्ष जो आपके मानने वाले, आपके जो दूसरी जात वाले हैं, छोटी जात वाले हैं, जो वैश्य और शूद्र हैं, ये आपके निकट आकर के आपके सरों पर बैठ जाएंगे। इन्हें डराइए, जितना इन्हें अपने से दूर रखेंगे और इनके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, आप उतने बड़े गुरु माने जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि किसी ने एक बिल्ली मार दी, एक वाकया है, इन्हें किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। मिसाल देखते कि किसी चमार ने, चमार वो होता है जो चप्पल का काम करता है, मोची का काम करता है, खेत में किसानी करता है, चमार ने बिल्ली मार दी। उसके घर में बिल्ली आ रही थी, रोजाना दूध पी रही थी, दूध खत्म हो गया, डेली बेचारा मेहनत करके दूध लाता था, रोज रात में बिल्ली आती दूध पी रही खत्म हो गया, परेशान था, क्योंकि उसके घर में जो बच्चा था उसे दूध नहीं मिल रहा, बिल्ली दूध पी के जो है चली जाती। आज अगर बिल्ली आई तो छोड़ूंगा नहीं, रात भर जाकर देखता रहा, जैसा बिल्ली आई लिया झाड़ लकड़ी और मार दिया, मर गई। अब घर में जब मालूम हुआ तो चमार बोला कि अपनी बीवी से ये बात दूसरों को मत बोलो वरना हम तो गए अपना। तो बीवी ने क्या किया, खुद की सास को बोला, आमतौर तो से जो है औरतों के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज बचती नहीं, जल्दी दूसरों तक पहुंच जाती, बगैर एडवर्टाइज के जो है, बगैर पैसे के एडवर्टाइज फौरी हो जाता। वहां पर जो हुआ, उन्होंने पड़ोसन को बोला, बहू ने सास को बोला, सास ने पड़ोसन को बोला, पड़ोसन से पहुंचते पहुंचते यहां तक कि उस एरिया के, उस जगह के, उस गांव के पंडित पुरोहित तक बात पहुंच गई कि फला चमार ने बिल्ली मार दी। अब क्या था, पंडित जी को साल भर का राशन मिल गया, इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा, उस चमार को बुलाया, दरबार लगाया और कहा बेटा अब तो तुम्हें सोने की बिल्ली बना के देनी होगी, जो वजन बिल्ली का था
उसी वजन की सोने की बिल्ली बना के देना पड़ेगा। सकत नहीं है, चांदी की बिल्ली बनाओ, नहीं है सकत चांदी की बिल्ली। ठीक है, तुम्हारे खेत में जो अनाज होगा ये पूरा का पूरा जब्त एक साल तक के लिए, और एक साल तक ब्राह्मण के घर में, उसी पुजारी घर में काम करना, यानी गुलाम के तौर पर यह सजा सुना दी। तो ये तरीका जो है यहां पर है कि जब हमको पढ़ाया गया और जब कसम ली गई तो ये वजह बताई गई कि इस तरह आपको सोसाइटी में लोगों के ऊपर काबिज होना है। जिस तरह से आज दुनिया के अंदर कुछ कम लोग, मुट्ठी भर लोग दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, उनमें ये भी है, तो इनका जो मंशा होता है ये यही होता है कि किस तरह से अपनी कुर्सियों को, अपने पावर को बचा कर रखा जाए और लोगों पर आस्था के साथ, ये भी नहीं बगावत नहीं, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखे। बड़े हुनरमंद होते हैं, मीठी बातें इतनी होती हैं कि बेहद बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ, या अगर आप इस राह पर चलोगे, ब्राह्मण को गाली दोगे तो आप सीधा नर्क, ब्राह्मण को भला बुरा बोला कि सीधा नर्क, ब्राह्मण को मत बोलिए कुछ। ब्राह्मण ब्रह्मे ब्रह्मादिं ब्रह्मांडम, ये कहा है कि ब्राह्मण क्या है, वो है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, और जितनी भी क्षत्रिय हाथ से पैदा हुए, वैश्य घुटनों से पैदा, और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से नीचे पैदा हुए। इसलिए जो पैरों से पैदा हुए वो तो पैरों के नजदीक नहीं आना, और पैरों से खुद ले जाएगा, और जो ब्राह्मण है ये ब्रह्मा के मुंह से निकले, यानी कि ब्रह्मा के पुत्र है, यानी खुद साक्षात ब्रह्मा है, खुद ही साक्षात भगवान बना दिया, तो कोई सी की हिम्मत होगी भगवान को गाली देने को। ये तरीकेकार होता है। अब उसके बाद हम वहां से निकले, हमारे जहन में ये बात आ गई कि ठीक जो गुरुदेव ने बोला वही हम कहेंगे, क्योंकि गुरु के ताल्लुक से एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरैव महेश्वरा गुरुरैव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इसके दो माने हैं, दो ट्रांसलेशन है, वो दो भी करके बताओ। एक होता है एक आम जबानी ट्रांसलेशन, वो है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु खुद साक्षात भगवान है, पार ब्रह्म है, गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, साक्षात ब्रह्मा है। अगर गुरु का आदर नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नर्क में चले जाओगे। तो गुरु पूरे कायनात का खालिक मालिक मुहाफिज तबाह करने सब बना दिया। अब संस्कृत ये जो ट्रांसलेशन है ये आम जबान में ट्रांसलेशन है, ताकि लोग पढ़ें और गुरु के आदर, मतलब आचार्य जो ब्राह्मणों का, क्योंकि आज जो गुरु हैं जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर हैं प्रोफेसर हैं, जिससे ये मुराद नहीं था, उस जमाने के जो गुरु हुआ करते थे ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे, और बड़ी कुटिया होती थी आश्रम जिसको बोलते हैं, तो ब्राह्मणों के आश्रम हुआ करते थे, वहां पर लोग आकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, तालीम लेते थे। तो वहां पर जो पढ़ाया जाता था वो यही कहा जाता था कि पढ़ाने वाले ब्राह्मण अभी तुम्हारे साक्षात भगवान है, इनका आदर करना, इनकी इज्जत करना, इनकी तौहीन कभी मत करना, इनकी तौहीन अगर आप करेंगे सीधा अंदर। अब संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसका ट्रांसलेशन का एक भाषा है, एक जबान है, उसका भी कुछ अपना मुकाम है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ने ही सिखाया हमको, शिक्षक ने ही यह ज्ञान दिया हमको कि कौन इस कायनात का खालिक है। मुअल्लिम यानी उस्ताद ने ही हमको यह बताया कि इस कायनात का मुहाफिज बनाने वाला, हिफाजत करने वाला कौन है। गुरु ने ही हमें यह बताया कि इस कायनात का बनाने के बाद, इसकी हिफाजत करने के बाद, इस कायनात को तबाह और बर्बाद करने की सलाहियत भी रखने वाला वो किसी एक ईश्वर में है, ये भी हमको गुरु के जरिए मालूम हो, एक उस्ताद के जरिए हमें ये बात मालूम है। ऐसे उस उस्ताद को जिसने हमें यह ज्ञान दिया
हम उसके बेहद ऋणी, यानी कि उसके हम कर्जदार हैं, इसने हमको राह रास्त पर की तालीम दी है, ये इसका जिया है। अब ये एक होता है कि लैंग्वेज की ग्रामर को समझकर उसका ट्रांसलेट करना, और एक अवाम के लिए एक ट्रांसलेट कर देना, क्या आप इसी ख्याल महाल में रहें, इसी ख्वाब गफलत में रहें, और इसी को आप जो है हकीकत समझें। तो हम गुरु को सब कुछ मानकर गुरुकुल से बाहर निकले। बाहर निकले, एक साल का अरसा कुछ गुजरा, और बनारस के जो बिरला मंदिर के उस वक्त के जो हेड प्रीस्ट थे उनका इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल होने के बाद मेरे नाना साहब उसी काशी के ट्रस्टी थे, यानी जो बिरला ग्रुप ऑफ टेंपल्स हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में बिरला मंदिर, और जितने भी बिरला मंदिर हैं उनका एक हेड मंदिर जो है वो है सिर्फ काशी। तो उसके मेरे नाना ट्रस्टी थे, उन्होंने क्या किया, ट्रस्टी होने के बजाय उनको अपना सियासी फायदा उसमें था कि मेरा नाम होगा वहां पर बैठ के, तो इनडायरेक्टली उनकी इलेक्शन की कैंपेनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग पैर पढ़ने आएंगे, आशीर्वाद लेने, उनको बोलिए फलों को वोट डालिए, कौन गुरु की बात को इनकार करेगा। लिहाजा उन्होंने सबको जो है पूरी जो वहां की क्या कहते हैं एडवाइजरी कमेटी थी ट्रस्ट की, सबको कन्विंस किया, हमको रस्म रिवाजों के साथ उस गद्दी के अंदर बैठा दिया। अब हम बिरला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के चीफ प्रीस्ट। उसके बाद अब ब्राह्मणों का समाज एक अलग कमेटी है, अब इनको भी कलेक्ट करना, तो उसमें भी हमको क्या किया, ऑल इंडिया ब्राह्मण्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कि ब्राह्मण के कब्जे में, यहाँ पूरी आवाम के कब्जे में, पूरी मुकम्मल फतह आवाम हमारे लिए। हमें उम्मीद थी क्योंकि बड़े चलिए हम उस गद्दी पर बैठते हैं, जो रोज आना वहां का माहौल था, क्योंकि अब हम आवाम के बीच आ गए थे, कोई ब्राह्मण से हटकर दूसरी जात वाला। सुबह उठते थे वही गंगा में नहाना, और चाणक्य, अगर आपने टीवी में चाणक्य का कोई सीरियल देखा होगा तो हम सिर्फ उसी की कॉपी थे, उसकी जराक्स कॉपी थे, पूरा चारों तरफ बाल नहीं, बीच में सिर्फ इतनी बाल और उसकी इतनी बड़ी चोटी, रुद्राक्ष के पूरे जिस्म में रुद्राक्ष के माले, 8-10 रुद्राक्ष के बड़े बड़े माले, यहाँ पर बाजुओं में माले, पूरा टीका, गेरू रंग के कपड़े, वो रामायण में अपने सिर देखते तो वैसे धोती बनते थे, लकड़ी की खड़ाओं की चप्पल, और ऊपर से एक शॉल जो है जिसके ऊपर श्री राम लिखा हुआ रहता था, हे राम हे कृष्ण बोल के एक चादर होती थी, वो चादर हम हमेशा ओढ़े रहते थे, हाथ में एक लकड़ी होती थी जो अपने ऋषियों को देखा हुआ ऐसा हाथ रखते जो है टेके रहते, ये लकड़ी हमेशा थी। बचपन से बड़े गुस्सेल थे, कोई बात नहीं सुना तो लकड़ी फेंक के मार देते। वहां पर जब आए यकीन मानिए इस्लाम ने मुझे बहुत बदला है, ये उस इस्लाम की अजमत है कि मैं अपने गुस्से पर बेहद कंट्रोल कर पाया, और मैं बचपन से इतना गुस्सेल था, अभी तो इकलौता था, जो भी आता था बात नहीं सुना, यहां तक कि मेरे गार्ड्स भी थे जो मेरे बॉडी गार्ड्स थे, नाना सीएम थे, वाई कैटेगरी जेड के जो बॉडी गार्ड्स मेरे पास, 8-10 तकरीबन 6 बॉडी गार्ड्स थे मेरे साथ हमेशा थे, अगर समझ में नहीं आया गुस्सा आ गया तो उनको भी मार देता था, क्योंकि उनको भी गुस्सा आता था कभी फायर कर दू, लेकिन गुरु आस्था में कभी कभी पीछे हट जाते थे, वरना इसको गोली मार देंगे तो हम नर्क चले जाएंगे, लेकिन गुस्सा तो वैसे थे। बहरहाल वहां पर जब हम उस गद्दी पर बैठे डेली सिर्फ दर्शन देने के लिए, जो आरती का टाइम होता था 6 बजे, तो आते थे सिर्फ पब्लिक इंतजाम इंतजारी करते रहते, आते थे सिर्फ दर्शन देते थे, एक आरती करा देते थे, आवाम वहीं से जान है वहीं पूरे लंबे लेट जाना, ये था उनका पैर पड़ना। अब इस पैर पड़ने के बारे में इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। अब संस्कृत भाषा में साष्टांग को क्या कहते हैं, सह अष्ट अंग,
सह के माने सांप, अष्ट के माने आठ, अंग के माने एट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी विथ एट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है? ये है सजदा। पेशानी, नाक, दो होंठ, दो हाथ, दो घुटने, दो पंजे, आठ हिस्से हो गए। यानी साष्टांग ईश्वर के सामने तुम साष्टांग करो, यानी तुम ईश्वर के सामने सजदा करो अपने जिस्म के, अपने शरीर के आठ हिस्सों के सामने। अब ये लोग सजदा जैसा होता है वैसा करते हैं, लंबे लेट जाते हैं, तो यहाँ पे इनको पेशानी, नाक, होंठ, ठुड्डी, सीना, पेट, रान सब लग रहा है। यानी कि वो आठ आठ साष्टांग जाके बीसटांग हो जाता है, जिसे उनके पूरे 20 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो कहा जा रहा है, एक चीज है यहाँ पर, आस्था और श्रद्धा का जो इनके पास मुकाम होता है वो अंधा होता है। आंख तो होती पर देख नहीं सकते, दिल होता है पर उसमें वो चीज बैठती नहीं, दिमाग होता है पर समझने से कासिर है। महावीर जो थे, गौतम बुद्ध या महावीर जैन, कुछ सालों पहले ये इंसान ही थे, और इनका जो स्लोगन था, इन्होंने जो अवाम को सिखाया था, या साईं बाबा को लीजिए, जो शिरडी के साईं बाबा 60 साल पहले वो इंसान थे, उन्होंने लोगों को, क्योंकि साईं बाबा पैदा हुए एक हिंदू घराने में, 3 साल की उम्र में वो यतीम हो गए, उनके माँ और बाप दोनों का इंतकाल हुआ, उनकी जो परवरिश हुई वो मुसलमान घराने ने की। अब मुसलमान घराना भी माशाल्लाह ऐसा मुसलमान घराने ने परवरिश की जो वहदतुल वजूद के मुकम्मल परिश्ता थे, जिनके पास तौहीद का दूर दूर तक जो है नामो निशान बाकी नहीं था। उन्होंने उनकी तरबियत तालीम की, तो वो जो है गाते और बजाते रहे कि राम और रहीम सब एक ही है, राम भी एक तरफ, रहीम भी एक, गंगा जमनी तहजीब, ये तहजीब को उन्होंने बढ़ाया। लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक है। अब आप देखिए इन तीनों बड़े महापुरुषों का हाल क्या हुआ, एक तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन और शिरडी के साईं बाबा, ये तीनों भी इंसान थे, तीनों का एक ही कहना था कि इस कायनात का एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक, एक ही खालिक है। लेकिन अवाम जो होती है वो समझने से कासिर, दिमाग है लेकिन समझ नहीं सकती, आंख है देख नहीं सकती, दिखता है पर वो देखते हैं जो उनके धर्मगुरु दिखाते हैं अपने आंख से देखने से, क्योंकि धर्म के अंदर अकल को दखल नहीं, अकल का ताला घर में रख कराना, जब गुरुओं के पास आए तो गुरुओं के अकल से ही सोच। सबका मालिक एक शिरडी साईं बाबा ने कहा, आज भी उनके मंदिरों में देखे वही दिखा रहता है, उनके पोस्टरों में देखे वही दिखा रहता है। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने क्या किया, हम सबके आप ही अकेले मालिक, उन्होंने बोला उन्हीं की पूजा शुरू। गौतम बुद्ध ने कहा उन्हीं की पूजा शुरू, महावीर जैन ने कहा उन्हीं की पूजा शुरू। तो यह होता कि मैसेज क्या दिया जा रहा है उसके ऊपर गौर नहीं, मैसेज देने वाला कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसकी जो है चाल कैसी है, वो लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, बस इससे अट्रैक्ट होकर के कहा कि ये भी नर में बसे ना रहे, इंसान खुद ईश्वर है, ये भी हमारे ईश्वर है, लिहाजा इन्हीं को पूजो, जो कर रेकूना अल्लाह जुल्फा, ये बड़े नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर देंगे तो हम स्वर्ग को चले जाएंगे। ये है धर्म, ये है वो उस्ताद, ये जो है उनके असलाफ, और ये है आवाम। कि आवाम को जो कहा जा रहा मैसेज के ऊपर गौर नहीं करती कि क्या इबारत लिखी है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, या बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, बस बोलने वाले को देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे एक बात बताइए, यहां से बराहा ईदगाह जो मेरा इस वक्त जहां पर मैं रहता हूं वहां पर जाने का रास्ता क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे अहमद भाई यहां से नीचे उतरिए, यहां से लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, आप एक डायग्राम बताएंगे, आप मुझे डायग्राम बनाए बताए, मैं क्या किया डायग्राम सुन लिया, उसके बाद क्या करता हूं आप ही को पकड़ लेता हूं, बोलते आप ही मेरे ईदगाह और बराहा आप ही हैं, आप ही मेरी मंजिल है, तो आप क्या बोलेंगे बेवकूफ है क्या, जो बताया हूं जो रास्ता बताया उस पर चलो और वहां तक पहुंचो।
तो जो हिंदू धर्म के जितने भी असलाफ थे इन लोगों ने एक रास्ता बताया, लेकिन उस रास्ते पर ये नहीं चले बल्कि क्या किया, उन्हीं को अपनी मंजिल बनाई। आप बता रहे हैं आपको मालूम है ना मंजिल, तो आपकी मंजिल आप हमारी जो सिफारिश कर देना, ये आप अल्लाह करीब हो हमारी रिक्वेस्ट कर देना, हम पहुंच जाएंगे, आपका दामन पकड़ देता हूँ, पहुंच जाएंगे। इस तरह से यहां भी अब हम जो है वहां पहुंचे, लेकिन ये जो धर्म की जो तालीम थी तो खत्म हो चुकी थी। इसके दरमियान क्या होता था, मैं सेवंथ जो बोर्ड एग्जाम है, टेंथ बोर्ड एग्जाम था, वो एग्जाम देने के लिए आता था, हिंदी लैंग्वेज थी, हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए थे, संस्कृत तो हमारे लिए मादरी जबान थी, जिस तरह से किसी की अरबी जबान होती हमारी मादरी जबान हिंदी थी। तो हम वहां पर जब हम उस जगह पर आ गए और हमारी जो एक एग्जाम आया ग्यारहवीं का एग्जाम, यानी इंटरमीडिएट जो कॉलेज होता है वहां पर, वो मेरे लिए बेहतरीन टर्निंग पॉइंट था। मैं जब वहां आया, वहां आकर के मैंने देखा, एग्जाम के टाइम पे हम आते थे वहां पर, क्योंकि आम दिनों में हमको मंदिर रहना पड़ता था, लोगों से पैसे लेने लगते थे, क्योंकि लोग जो कमा रहे थे वो हमारे लिए कमा रहे थे। मुझे अगर किसी यानी कि आमतौर से हर एक की ख्वाहिश होती है जो बड़े रईस होते हैं कि मेरी बेटी की शादी या मेरे बेटे की शादी या घर की पूजा जो बड़े पुजारी हैं पुरोहित उनसे ही हो, तो हम शादी कराते थे तो मेरी खुद की फीस होती थी 51 लाख रुपए। अगर कोई 50 लाख देता है तो मेरा फर्स्ट असिस्टेंट जाता है, और जितना कम करेंगे फीस उतना छोटा असिस्टेंट जाता है मेरा, यानी उतनी शॉर्ट शादी मैं कराऊंगा, 4 घंटे होगी एक शादी के लिए, मेरा असिस्टेंट जाएगा तो आधे घंटे से लेकर 15 मिनट पौन घंटे में शादी हो जाएगी। फिर वहां जाने के बाद भी हर श्लोक में दक्षिणा होना, 5,500, 1,000 ये भी चाहिए, वरना अगर कोई वहां पे नहीं दिया, हमारे हिसाब का जब टारगेट देखते थे वो दक्षिणा नहीं मिला तो क्या करते थे, शादी तो हो गई अब विदाई के लिए रोक देते थे, भाई मुहूर्त नहीं है विदाई नहीं हो सकती, उधर दूल्हा तड़प रहा उधर दूल्हा पूरे पर आ मुहूर्त नहीं है विदाई नहीं हो सकती। अब दूल्हा आहिस्ता नहीं था, दूल्हे के वालिद ने कोई भी करीब आते थे, पंडित जी कोई तो रास्ता निकाल दिए, पुजारी जी कोई तो रास्ता निकाल दिए, तो आसमान की तरफ देखते थे, कभी कुंडली देखते थे, नक्षत्रों की ग्रह की दशा भी ठीक नहीं है, थोड़ा तड़पाते थे, बोले कुछ भी एक जो है रास्ता तलक कीजिए, बोले रास्ता आप भी कुछ निकालिए, रास्ता हम भी कुछ निकालिए, जेब का वजन आप कुछ कम करें तो रास्ता खुद खुद निकलेगा, यकीन माने 2 से 2.5 लाख रुपए आ जाते उस एक एक्टिंग पर। जैसा वो आ गया शागिर्द के पास दक्षिणा पहुंच गए, शागिर्द ने इशारा किया, फौरन मुहूर्त आ गया, देखिए अभी सितारे जो है मिल रहे हैं, दशा अच्छी है, 10 मिनट के अंदर आप विदाई कीजिए। अब इतनी जल्दी की जितनी जो हैरानी थी उससे ज्यादा परेशानी, 10 मिनट का भलाना है, ये होता था, यानी इसको कहते हैं दिमाग से खेलना, अवान के जहन से खेलना, ये गुना खजरे नहीं सिखाया, इसे वही सिखाया जाता है, अवान को किस तरह कंट्रोल में करना, एक एक चीज एक एक पैतरे सिखाए जाते हैं, जो 10 साल सिखाया जाता है पढ़ाई के तो 4-5 साल हो, लेकिन जो पैतरे सिखाए जाते हैं अवाम के उसमें 5 साल लग जाते हैं, एक एक चीज, आप अगर बैठे हैं अवाम के सामने आप कैसा बैठे, बात करेंगे तो कैसा बात करेंगे, किसी को समझाएंगे तो कैसा समझाएंगे, अवाम आपके सामने लाखों हैं तो उसको इस तरह से आप बोल रहे हैं कि एक आदमी के हिलने की जगह मजा ना हो आपके साथ। आप देखिए कभी अगर जो धार्मिक हिंदुओं के चैनल आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, कोई एक भी जगह से हिलता है क्या, अगर हिला तो फिर उसको फौरन डरा देते, जो इस मजलिस से उठा वो सीधा नरक में, कहा जाता उठा के नरक में जाने नहीं, फिर बैठे रहो जब तक हम बुलाएंगे, जब तक हम बोलेंगे सुनना होगा, मर्जी है या नहीं, मर्जी हमारी से है, तो ये पूरी तरीके का से। तो जब मैं वहां आया, अल्लाह का एक बंदा वहां पर मुझे, और क्योंकि मेरी वालदा बताया कि वजीर तालीम थी,
तो भोपाल के अंदर जितना भी भोपाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तालीम के जितने भी इदारे थे भोपाल ग्रुप ऑफ नाम के, ये सब मेरी बांदा के थे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, आईटी कॉलेज सब। तो उस वक्त एक मुसलमान बच्चा जिसका नाम इमरान था, वो बच्चा वहां मेरे साथ क्लासमेट था, पढ़ता था। उसके वालिद साहब बेहद दीनदार, बेहद नमाज, भोपाल हाईकोर्ट के जज के बेटे थे। और जज किस तरह होते हैं, कैसा उनका रुआब होता है आप तो जानते हैं। लेकिन उनका जिंदगी पूरी सारा जीवन जिंदगी में यकीन मानिए पहला ऐसा आदमी को देखा है जो इतनी बड़ी हाई पोस्ट पर रहने के बाद जिसमें लाखों रुपए रिश्वत ली जा सकती है, वो आदमी एक सिंगल बेडरूम के फ्लैट में रह रहा अपनी पूरी फैमिली के साथ, और जिसके घर में रोजाना दरसे कुरान होता है, उनके कोर्ट के मुसलमान जो वकला थे, वकील थे, वो आकर के दरसे कुरान लेते थे। उन्होंने अपने बच्चे को बचपन से नमाज का बेहद पावन बनाया था। और वो बच्चा जो मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, जब हम एग्जाम के लिए आए वहां पर, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो 3-4 दिन से 20 मिनट लेट आ रहा है, और 20 मिनट उसको जो है पनिशमेंट मिले 20 छड़ी में, यानी 1:15 होती थी लंच बेल, ठीक 1:30 45 मिनट के बाद में रिक्लास बेल होती थी, यानी पूरे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर। और वो स्कूल थोड़ा हाई फाई था, 1 सेकंड भी अगर लेट हुआ कोई तो गेट बंद। तो बच्चा जो है 1:30 जोहर की नमाज शुरू होती थी, जोहर की नमाज पढ़ के सुन्नत वगैरह पढ़ के 1:50 पे स्कूल पे आता, 20 मिनट लेट 20 छड़ी मार, 15 मिनट लेट 15 मिनट छड़ी। 3-4 दिन इस तरह मुसलसल देखने के बाद मैंने जो है वहां के लेक्चर और प्रोफेसर को बुलाया, तो वो भी हाथ जोड़ के ठहर जाते थे, क्योंकि लेक्चर हमारे पैर पड़ के हमको जो है दर्श देते थे, और वो खड़े रहना हमारी स्पेशल चेयर में बैठे थे। मैं बोला क्या हो रहा है, क्यों इसको पनिशमेंट दे रहे हैं? तो बोलते थे ये बच्चा जो है मुसलमान है, ये नमाज को जाता है और नमाज से 20 मिनट लेट आता है, इसलिए इसको ये सजा दे रहे हैं। लेकिन 6 महीने से सजा दे रहे हैं, कमबख्त सुधरता ही नहीं है, कहां से सुधरेगा? 5वें दिन मैं खुद उससे पूछा कि आए इमरान, तू अपने ईश्वर की जो भी पूजा भक्ति जो भी तेरे को प्रार्थना करनी है, तू अपने मंदिर को क्यों जाता है? वहां पर हमको मस्जिद नहीं मालूम था, मंदिर ही बोलते थे उसको भी, तो अपने मंदिर को क्यों जाता है? तू अपने घर जाने के बाद अपने ईश्वर की प्रार्थना कर लिए, सजा से बच जाएगा। उसका जो जवाब था वो मेरे लिए जहन में सवालिया निशान पैदा कर। उसने कहा माफ करना पंडित जी, पर आपसे जो है एक बात कहता हूं, वो ये कि मैं आप लोग जो ब्राह्मण हैं, जितना भी आपका समाज है, आप लोग अपने भगवान के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि आपके भगवान खुद आपके कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि आप अगर घर में पूजा करना चाहें घर में पूजा कीजिए, मंदिर में पूजा करना चाहें मंदिर में करिए, सुबह में करिए शाम में करिए ना करिए कोई पूछने वाला नहीं, मंदिर के सामने से गुजरना है यूं कर लिया हो गई पूजा। बोले बड़े धार्मिक, तो इस तरह से ये आपका काम है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बहसियत मुसलमान होने के डेली 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर और मस्जिद में ही पढ़ना हमारे लिए फर्ज है और जरूरी है। अगर हम अपनी नमाज छोड़ते हैं और मस्जिद में नहीं पढ़ते हैं, तो ये दुनिया की सजा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, 20 छड़ी, लेकिन अल्लाह ताला जो सजा देगा हमको वो इससे कई गुना ज्यादा होगी। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारे पास, क्योंकि इतने सख्त इतने कट्टर कि तुमको ये सजा मंजूर है और वो सजा नहीं। हमारे पास तो सजा का तसव्वुर ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को पैर पढ़ो उसको खुश रखो सीधा स्वर्ग, इजी वे। ये जो रास्ता उसका जो जवाब था मेरे लिए वाकई सवाल निशान, 2-3 दिन तक तो समझ में नहीं आएगा, और कोई कंटिन्यू उसकी पनिशमेंट कंटिन्यू थी। एक दिन मैं उसको जो है मेरे एग्जाम की कॉपी एक नोटबुक दिया था, वो नोटबुक लेने के लिए उसके घर गया हूं मैं खुद, क्योंकि
पहली बार किसी मुसलमान बच्चे से दोस्ती हुई, उसके अखलाक, उसके घर का बैकग्राउंड एक ऐसे सोसाइटी से जो एजुकेटेड सोसाइटी, वेल एजुकेटेड सोसाइटी, स्ट्रेसेबल, यानी जिसका एक मियार है, उस खानदान का वो बच्चा और उसकी ये जवाब और उसकी ये दीनदारी, पहली बार दिल करके किसी से मुसलमान से दोस्ती करूं बगैर किसी मजहब की भेदभाव के बिना। जब वहां पर गया तो उसके वालिद ने, बच्चे ने मुझे ले आकर दीवान खाने बैठ गया, और उसी वक्त उसके वालिद साहब मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। वहां पर पहली बार किसी मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा था, किस तरह से नमाज पढ़ते हैं देखा। बहुत देर तक हुआ किया, जैसा उनकी नमाज खत्म हुई, नमाज से फारिग हुए, मैंने उनसे कहा एक्सक्यूज मी कल आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहो बेटा क्या बात। ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, ये जो योगा कर रहे थे, ये कौन सा है, ये कौन सा योग है, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? बेटा ये कोई योगा या एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा योगा में उसी अंदाज की योगा से एक्सरसाइज कराई जाती है। वो बचपन से पढ़ते थे, मदर हमारे गुरुकुल वहां सब कराते थे, तो हमें बोले ये कोई योगा हो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा झूठ बोल, हम अपने मंदिर में जाते बेहद बहुत सारे कलरफुल भगवान होते, हमा किस्म के कलर होते, उनके काले नीले लाल गोरे, उनको फूल मालाएं चढ़ाते हैं, आरती चढ़ाते हैं, आरती गाते हैं, और ये सारे तरीके होते हैं हमारी इबादत के। आपके सामने कोई तस्वीर नहीं, ईंट गारे चूने से बनी इस दीवार के सामने आप उठ रहे बैठ रहे झुक रहे, कोई इबादत का तरीका है? उन्होंने कोई भी शिकवा नहीं किया, ना कोई ऐसा जवाब दिया जो मुझे तकलीफ दे। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, बेटा आपको हिंदी आती है? बोला अंकल मुझे संस्कृत आती है और हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी। अंदर गए, हिंदी में तर्जुमा जो था कुरान का, वो कुरान का तर्जुमा ला के मेरे हाथ में दे देते। आमतौर से जो लोग हमारे पास कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को कुरान देना जायज है या ना जायज है, अरे पहले आप उसको तहारत से है या नहीं है वो मत दे दो, पहले आप उसको दे उसके अंदर दिल की तहारत, दिल का मर्ज है ना, वो चला जाएगा, क्योंकि कुरान को शिफा और रहमान कहा है। कुरान शिफा भी है, ये रहमान की तरफ से शिफा है, तो शिफा कैसे, क्या कैंसर का इलाज उससे चला जाएगा? उसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो दिलों का मर्ज है, ताकत का जो मर्ज अंदर बसा हुआ है दिलों के अंदर, जहनों में, वो मर्ज सिर्फ और सिर्फ कुरान जो है उसके जरिए ही शिफा होगा। अल्लाह का फर्ज शामिल हर कुरान लिया, लेकर के वापस घर को गया। एग्जाम का पीरियड खत्म हुआ, वापस हम मंदिर चले गए। हमारा एक ऐसा एरिया था वहां पे, यानी जो मंदिर का हिस्सा अलग होता था, हमारा हिस्सा अलग, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई नहीं आ सकता, बिना अनुमति प्रवेश निषेध, हमारी आज्ञा के बगैर कोई यहाँ पे अंदर दाखिल ना हो गार्ड्स पे। अब जैसा जो है हम वहां पर कुरान पढ़ना मैंने शुरू किया, हिंदी में जो ट्रांसलेशन था, वो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे शब्द मेरे कानों में आए, मेरे पढ़ने से गुजरे, अहमद अहमद अहमदामी अहमदाम अहमदत्वाम, ये जो नाम थे, और महामद महोदया महामदामी महात्वाम महामदाम, यानी ये मोहम्मद सासम के जो नाम थे, पूरी वेदास के अंदर 18 जगह पर मोहम्मद सासम का नाम है, नराशंस युग पुरुष, ये जो नाम है वेदास के अंदर 18 जगह पर, और भगवत गीता के 10वें पारे से का जो एक श्लोक से लेकर के चौथे श्लोक तक पूरी कंप्लीट तौहीद है। मैं वो आपको जो है पढ़ के सुनाता हूं। भूय एव महाबाहो श्रणु में परम वचः यत्ते अहम् प्रियमाणाय वक्षयामि हितकामाय। संस्कृत में भूया जो शब्द है, भूया कहते हैं भोर को, हिंदी में आपने सुना होगा भोर, यानी सुबह, सुबह को कहते हैं भोर, भोर ऐसी सुबह को कहते हैं जिस वक्त पूरा का पूरा कंप्लीट अंधेरा चला जाए और सिर्फ रोशनी आ जाए, तो भूया एव महाबाहो, ऐसी सुबह आने वाली है। एव महाबाहो, एव के मतलब एक, महाबाहो के मतलब एक बहुत बड़ा योगी युग पुरुष। भूया एव महाबाहो श्रणो में परम वचः, जिसके सत्य वचन के साथ वो
वो इस संसार में आने वाला है। यत्ते अहम प्रियवाणा, यत्ते अहम, यदि तुम उसकी बातों को सुनोगे, प्रियमाणा बहुत अच्छी बातें बनी, वक्षयामि हित कामना, उसको सुनकर तुम समझोगे और उसको कबूल करोगे, ग्रहण करोगे। हित कामना तुम्हारे अपने ही हित की कामयाबी है, तुम्हारी खुद की भलाई। हित कहते हैं अपने खुद की भलाई, जाति भलाई, जाति मफाद, जाति फायदा। हित कामना तुम्हारी अपनी खुद की जाति फायदे के लिए होगा। ना मैं विदुर सुर गण प्रभुम नाम, दूसरा श्लोक है, ना नहीं, ना मैं विदुर, विदुर कहते हैं विद्वान को, ना मैं विदुर सुर गण, उस वक्त उनसे बड़ा कोई विद्वान, ज्ञानी, इल्म वाला कोई नहीं होगा। प्रभुम नाम हर्षया, प्रभुम यानी ईश्वर खुद उस ज्ञानी को वो ज्ञान दे करके भेजेगा इस संसार। अहमादिर ही देवानाम महर्षिणाम चर्वसा, वह ईश्वर उस महापुरुष का अहमद नाम रखकर भेजेगा। अहमादिर ही देवानाम, अहमद ये जो शब्द है बिल्कुल क्लियर मेंशन है, और ये अरबिक वर्ड है। संस्कृत के अंदर अगर कोई कहता है कि फारसी मिक्स है, अरबी मिक्स है, तो वो गलत कहता है, मानो चाहे कितना बड़ा पुरोहित हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, संस्कृत से इसका मतलब उसकी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि संस्कृत के अंदर नागा फारसी और अरबी के वर्ड मिक्स नहीं है। क्योंकि अगर मिक्स होते तो फिर हम यही कहते जो हमारे पंडितों आचार्यों ने कहा कि अहमद के माने होते हैं श्री कृष्ण, अहमद के माने कभी ब्रह्मा को ले लिया, जिसकी आस्था जिस भगवान पे ज्यादा उसने उसी का नाम लेके कर दिया। कोई सत्यनारायण यानी विष्णु को बना देता, कोई कृष्ण को बना देता, कोई अर्जुन की तरफ मोड़ देता। तो इस तरह से जो कहते हैं जिसका मतलब उनको खुद संस्कृत भाषा और उसकी ग्रामर से लाभ आता है। दूसरी चीज, नाम है अहमादिर ही देवाना महर्षि रामचा सबशा, जब वो अहमद वो आएंगे ज्ञानी और महागुण, वो लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाएंगे। कैसे ईश्वर की तरफ बुलाएंगे ये देखें कितना क्लियर है। तीसरा श्लोक दसवें अध्याय का तीसरा श्लोक, यो माम जन्म आदि चावेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा सामृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यो माम युगों युगों से, यो माम जन्म आदि, जन्म आदि ये पूरा एक दो वर्ड है, इसको आप गौर से देखें। युगों युगों से कभी ईश्वर ने जन्म आदि, आदि के मतलब होते हैं अनंत, आदि और अनंत यानी कि जिसको हम कहते हैं वल अव्वल वल आखिर, वही वो अल्लाह है जो वही पहला है और वही आखिर है, यानी आदि यानी वल अव्वल, अनंत वल आखिर। तो आदि से लेकर अनंत तक यो मां जन्म आदि, जिसने कभी किसी से जन्म नहीं लिया, कृष्ण राम की जन्म देने वाली माँ है कैकेयी, कौशल्या, दस जन्म देने वाले पिता दशरथ, और यहां वेदास क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर आदि से लेकर के अनंत तक कभी किसी युग में किसी से जन्म नहीं लिया। अब हम किसको माने, वेदास के अंदर लिखी हुई जो वेदास की किताबें हैं, दीज आर द पिलर ऑफ द रिलीजन, यानी ये धर्म के स्तंभ हैं, एक पिलर है, एक सुतून है, यानी ये बेस है। जब बेस वाली किताब ये कहती है तो पुराण, पुराण का मतलब होता है बायोग्राफी, विष्णु पुराण, लक्ष्मी पुराण, शंकर पुराण, गणेश पुराण, यानी लोगों की लिखी हुई किताब। वेदास भी लोगों की लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर से उन्होंने चमत्कार लिखे। शंकर कभी उठे उनको गुस्सा आया, आंखी श्री आंख खुली फला पहाड़ खत्म, तीसरी आंख खुली फला किसी को जला दिया। ये चमत्कारी जो चीजें हैं इसको कहते हैं बायोग्राफी, और बायोग्राफी को पुराण कहते हैं। तो 18 पुराण इन पुराणों के अंदर है, ये उसमें अलग। यो माम जन्म आदिम, जो आदि से लेकर अनंत तक कभी किसी से जन्म नहीं लिया। चा वेत्ति लोक महेश्वरम, वही वो ईश्वर है। लोक लोक महेश्वरम एक की वर्ड है, इसको इलाबोरेट करके देखिए। लोक एक, महा ईश्वर, लोक के माने संसार दुनिया, एक के माने एक, महा के माने बड़ा, यानी किसी को आप कहते हैं महापुरुष, यानी बहुत बड़ा आदमी, इज्जत इमाम, जिसकी इज्जत के लिए आप कहते हैं इज्जत इमाम, आली जनाब। महा यो लोक एक, महा
ईश्वरम, ईश्वरम के माने इस संसार का जो सबसे बड़ा निगहबान, मालिक और खालिक, बादशाह, हाकिम है। तो जो सारे संसार का एक ही मालिक और खालिक है, जो और सबसे बड़ा है, लोक एक महा ईश्वरम, जो सारे कायनात का, सारे संसार का एक ही निगहबान, एक ही मालिक और एक ही खालिक है, वह ईश्वर कभी किसी से जन्म नहीं लिया, कभी नहीं। असम मूढ़ा साम्रतेशु सर्वोपापे प्रोच्यते, असम मूढ़ा साम्रतेशु, उस ईश्वर को कभी किसी को तो मौत नहीं आई, मृत्यु नहीं आई, वो कभी मरा नहीं, सर्वपापे प्रोच्यते, ऐसे ईश्वर को जो मानेगा उसके सारे के सारे गुनाहों से वो मुक्त हो जाएगा। अब आप बताइए, आज राम जिंदा, कृष्ण जिंदा, पांच पांडव जिंदा, कौरव जिंदा, कौन जिंदा, कौन से भगवान जिंदा, फिर उनको मौत कहां से आ गई अगर जो उनको भगवान मानते हैं। वेदांत को कहते हैं असम मूढ़ा साम्रतेषु, जिससे कभी मौत है ही नहीं उस ईश्वर को, वो हय्युल कय्यूम है, उसे मौत ही नहीं, फिर मौत कहां से आ गई। लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने भी अवतार लेके पैदा किया। चौथा श्लोक देखिए, बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भावो अभाव भयम च भ्रमेव च। बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा, उस जो अहमद है, जो बुद्धिमानी और ज्ञानी है, वो अपने बुद्धि से, अपने अकल से, अपने ज्ञान से लोगों के समक्ष, लोगों के सामने बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा, लोगों के सामने ईश्वर की सत्य बातें रखी है, एक ईश्वर की जो सच्ची बात थी वही लोगों के सामने रखा, क्षमा सत्यम दमस, लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने मारा, क्षमा सत्यम दमस, उनकी आदत थी, उनका आचार था, उनका ये कैरेक्टर था, क्षमा सत्यम दमस, लोगों को माफ कर देते थे, क्षमा के माने माफ कर देना, क्षमा सत्यम दमस, हमेशा लोगों को माफ कर देना, लोगों को उनके गुनाहों से कहना कि तुम जो है ये आईना मत करो, उन्हें बाहर आने के लिए कहना, और हमेशा वो ज्ञान लोगों के सामने, जो ईश्वर का वो लोगों के सामने पहुंचाया। सुखम दुखम भाव भाव भयम च भयम च, सुख भी आए दुख भी आए, कैसा भी उनके ऊपर गुजरे, वो अपने एक ईश्वर के प्रचार से कभी बात समझे वही लोगों के सामने पहुंचाया। अब एक ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है भगवद गीता के अंदर, ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी इनके रिलीजियस बड़े स्कॉलर्स हैं, बिगेस्ट स्कॉलर्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लिबास पहन करके आपके सामने मीडिया के सामने होंगे, वो नहीं, वो स्कॉलर्स जो वेदास पढ़ाते हैं, जिन्हें जबान मालूम है उसकी, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो सारी चीजें वो जानते हैं। ये महोदया, महामदा, महामदा में ये सारे शब्द वर्ड किसके हैं ये उनको मालूम, और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि एक आने वाला है, एक युग पुरुष आए। कभी कभी तो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध जो आए वो भी एक जमाने के युग पुरुष थे, उनके यानी कि पैगंबर, ठीक है ओके, हम एक हद तक उनकी एक बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि आसमान से नाजिल करता चार किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। उसके बाद रिवायतों के मुताबिक 124,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर मबूस हुए, और अपने पुण्य कौम में हर कौम में वो हादी बना करके भेजे गए, और उनकी इलाके की जो जबान हुआ करती थी उसी जबान में, जिस कौम में वो भेजे जाते थे उस कौम की जो जबान हुआ करती थी उसी जबान में ही पैगंबर भेजे जाते थे। और आप बखूबी वाकिफ हों कि हर पैगंबर को सहीफे, कमांडमेंट्स दिए जाते हैं, कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी अल्लाह के आदेश या उनके हुकुम के बगैर कोई चीज लोगों तक नहीं पहुंचाते, अपनी मर्जी उसमें शामिल हाल नहीं होती थी। अल्लाह के नबी जो अंबिया अलैहिस्सलाम भी हुआ करते थे, वो भी अल्लाह के हुकुम से ही किसी भी जगह को जाना, किसी कोई भी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, ये उनका काम था। तो उनके पास जो सहीफे नाजिल हुए, सहीफे मुख्तलिफ ज़बानों में नाजिल हुए हर पैगंबर तक, हम ये भी मानने के लिए तैयार है कि चलिए राम कोई नबी हुए होंगे, लेकिन उनको भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? आप एक शब्द उनके लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिर भी ठीक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा के माने रिस्पेक्टेड,
पुरुष हम पुरुषों में अच्छे, इंसान मर्दों में अच्छे मर्द, तो ठीक है भाई मान लेते हैं कि भाई उनके बाप ने कहा 14 साल जंगल को जाओ, बगैर चूचरा किए बीवी को लिए भाई को लिए जंगल चले गए, ठीक है आज्ञाकारी पुत्र होना बहुत अच्छी बात है, यानी फरमाबरदार औलाद होना अच्छी चीज है, तो लोगों को भी फरमाबरदार बनाइए, लेकिन उस एक अमल पर उनको भगवान की पदवी पर बैठा देना, कायनात का खालिक और मालिक तसव्वुर करना, ये गलत है। कैरेक्टर इंसान के अपने खुद के अमल से, अपने अखलाक से कोई इंसान अच्छा या बुरा होता है, हम उसको मानने के लिए तैयार है कि उन्होंने जो अमल किया अपने वालिदैन की जो फरमाबरदारी की अच्छी चीज, लेकिन ये कतई मानने को तैयार नहीं कि वो खालिक और मालिक है, कायनात का रचना करने वाला रचयिता है, त्रिकालदर्शी है, उसको बैठे बैठे हर चीज दिख जाती है, खुद की बीवी जो है रावण हरण करके ले जाता, पता नहीं चलता कहां से जो है चले गए, रावण का कत्ल हुआ, राम को नहीं मालूम कि वो अमृत का बीज है कहां, भविष्य आके बताता कि फला पेट पे तीर मारो वो मर जाएगा। इन्हें आप इनके धर्मों की अगर आप देखें बात, मैं उसी लिए बोल रहा हूं कि ये चीजें आपके जानने के लिए, कि जब आपके सामने अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आए तो कम से कम आप उसको एक काउंटर अच्छे अंदाज में वो दो समय दे रहा हूँ, कभी हिम्मत और मजदूर हंसना, कभी भी डायरेक्ट भी अटैक मत करें, दिल को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि 33 करोड़ मानने वाला आदमी जो बचपन से लेकर जवानी 30 साल 40 साल 50 साल उसने गुजार चुका, अगर आप उसको डायरेक्ट अटैक करोगे तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। अच्छे अंदाज में, अच्छा मेरे भाई ये बताइए कि आपके जो भगवान है वो भगवान, पहली चीज तो आप ये बताइए भगवान के माने आप क्या मानते हैं, भगवान कहते किसको है, एक्चुअली ये भगवान नहीं भाग्यवान है, जिसको नाम तो से जबानों में बोल बोलकर यानी स्पीड से बोलने की जो आदत होती है ना उसमें कई मात्राएं चली जाती है, कई तलफुज जो है वो खत्म हो जाता, असल है वो भाग्यवान यानी अच्छी किस्मत पाने वाला, तो जंगल जाकर आया कर राजा बन गया तो अच्छी किस्मत है ना उसकी, भाग्यवान हो, अब उसको भगवान भव्य कहते हैं जो भोग और विलास यानी कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, अल्लाह सलात मनत तबो शहवात, अल्लाह ताला बोलता है कि नमाज उसकी जो है जाया हो गई जो अपनी ख्वाहिशात के पैरवी करता है, नमाज पढ़ रहा है फिर शराब पीने के लिए दिल बोल रहा था वो भी जाके पी रहा है, जुआ खेलने का दिल बोल रहा है वो भी कर रहा है, दुनिया की तमाम बुराइयों में मुलव्वस फिर नमाज को भी, वो तो ऐसा वो किसी मेरे उस्ताद ने कहा था उनको तालीम अली कोर्स करते हो उस्ताद मेरे बोलते थे कि काम करने वालों को एक शेर उनके लिए बोलते थे कि जो नेकी भी करते हैं और बदी भी करते हैं, बुरे भी काम करते हैं कुछ अच्छे काम भी करते हैं, दिन को रहे मस्जिद में रात को रहे मैखाने में, ना हमने खुदा से जब को नाराज किया ना शैतान से दुश्मनी ली, दिन को रहे मस्जिद में रात को रहे मैखाने में, दोनों भी बराबर एक कदम चलते। अब देखिए यहां पर जितने भी इनके पास भगवानों के कैरेक्टर है इनमें ज्यादातर आपको वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि मैक्सिमम जो वेदास है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, जिसमें अथर्वेद को तो आप बिल्कुल बाजू उठा के रख दीजिए वो तो पढ़ने के काबिल में नहीं है, यानी इतनी परागंधा है, इतनी ऐसी चीजें हैं कि जो आपके जहन जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, यानी इंसानियत की अखलाक को पामाल करने वाली चीज है, इतनी वाहियात किस्म की चीजें उसके अंदर भरी हुई कि बेहद वाहियात, कभी इस खत्म होने के बाद आप हम वन टू वन बैठे हैं तब बता रहा हूँ यहाँ पर बैठने की चीज, यानी इतनी वाहियात, लेकिन उससे हटकर जो 3 वेदांत उसकी 60% जो है आप तौहीद पर पाएंगे, तो ये चीजें जो है कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है ये जो है 18 पुराण ये इनको बाजू हटा दीजिए, रामायण और भगवत गीता, रामायण के अंदर राम को एक जगह पर सीता ने कहा जब शादी होकर के आती है राम के पास, तो राम जब कमरे में दाखिल होते हैं राम को, तो राम को जो है पैर पड़ते कहते हैं
तुम आज से मेरे पति हो, पति परमेश्वर बन गए हो, तुम ही तीनों लोक के मेरे खुदा हो। तो राम वहां पे जवाब देता है, ना ही प्रिय, ना ही प्रियतम मम ईश्वर ही, ईश्वर शीश नवाब हो राम ही। मैं किसी का भगवान नहीं हूं, मैं किसी का ईश्वर नहीं हूं, बल्कि राम जिसके सामने झुकता है तो भी उसी के सामने झुकता है। यानी अपने आप को खुद उसने इनकार किया कि मैं कोई भगवान या ईश्वर नहीं हूं। लेकिन ओम राम मंदिर के नाम से लड़ रहे, राम जन्मभूमि के नाम से लड़ रहे। सबसे पहली चीज, एक ऐसा वाक्या, एक ऐसी कहानी जो उद्धरण के अंदर थोपी गई है और उनके लोगों ने थोपा, उनके गुरुओं ने ही थोपा। और वो क्या था? महाभारत की जंग, जो कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ थोपी गई है। वजह उसकी देखिए कैसा, जो महाभारत के अंदर, गीता के अंदर जो कौरव और पांडव का, यानी कुरुक्षेत्र जो जिस जंग का नाम है, उसका जो नक्शा खींचा गया, कौरवों की तरफ से 38 करोड़ वहां पर फौज ठहरी हुई, 38 करोड़ फौज कौरवों की तरफ से ठहरी है, पांडवों की तरफ से 12 करोड़ फौज है, टोटल मिला के 50 करोड़ फौज हो गई। इनसे पूछिए कि आपकी ये जो जंग है ये कितने साल पुरानी है? जवाब वहां से आता है, अरे भाई 50,000 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी है। दिमाग वहां पर काम करना बंद कर दे कि ये बोल रहा है या मजाक कर रहा है, क्योंकि 50,000 पुरानी की बात भी छोड़िया, 5,000 साल पुरानी ले लीजिए क्या पचास। और फिर ये वाक्य है कहां? हरियाणा जो स्टेट है उसके वहां पर एक कुरुक्षेत्र एक गांव है, उस जगह पर ये जंग हुई है, सिर्फ एक ही जगह पर इतनी फौज ठहरी हुई है। 5,000 साल पहले मुझे कोई ये बता दे कि पूरी एशिया की आबादी 50 करोड़ थी, उस एक जगह पर फौज को ठहरने की बात दूर, एशिया की आबादी 50 करोड़ थी क्या? इतने लोग सिर्फ एक जगह जब, यानी आदमी जब झूठ बोलने की उसकी हद हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उसे ये नहीं समझ में आता कि सने की एक चीज और, बोलने वाला क्या समझ के बोलता है। और मेरे जो उस्ताद थे शेखुल हदीस थे, वो कहते थे कि दुनिया में जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है, दुनिया में जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है, होशियार को काम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जो गुजर बसर है वो बेवकूफों के ऊपर ही हो जाता है। वो जब तक बेवकूफ बनाता रहेगा, लोग उसकी आस्था में श्रद्धा में आते रहेंगे और गुरुदेव बोल करके पैर पड़ के देते हैं। तो इन्होंने इस तरह से जो है झूठ का पुलिंदा जो बांधा है, ये बहुत ही यानी एक सिस्टम के तहत एक ट्री प्लान होकर, ये तो ये महाभारत की बात है। रामायण के अंदर जो राम जन्मभूमि का ये इशू आज लेकर के बैठे हुए हैं, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी जो है सारी कौमों का जो जिक्र किया है, कौम आद है, कौम समूद है, कौम लूत है, कौम तुब्बा है, इन कौमों के जो उरूज और जवाल के जो वाकयात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, उनकी आज भी निशानी रूए जमीन पर मौजूद है। यानी जो पहाड़ों पर घर खोद कर अपने घर बनाकर, आज भी वो पहाड़ों उस पर मौजूद, फिरौन की लाश आज भी मौजूद, और ऐसी बेशतर निशानियां हैं पूरे अर्श के ऊपर, उस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने आज भी अपनी निशानियां मौजूद रखी जो उन कौमों के जवाल के सबब थे। अब मेरा एक सवाल, राम पैदा हुआ, ठीक है पैदा हुआ, सब पैदा हुए, राम पैदा हुआ, दशरथ का महल कहां गया? कम से कम उस महल के अंदर ही तो पैदा हुआ, क्योंकि एक महारानी दशरथ की, तीन महारानी, पहले तो तीन चार चीजें खास तौर से क्लियर होते हुए चले कि जिस तरह से हिंदू का रिवाज, हिंदू धर्म का रिवाज है एक ही शादी, और मुसलमान क्यों चार तीन तीन शादी करते हैं, चार चार शादी करते हैं,
इनके अंदर एक कैसी जो है इनके अंदर ये आदत है कि तीन तीन चार चार शादी करते हैं खाएंगे। पहले आप ये देखें कि आपके भगवान के वालिद मोहतरम पिताश्री दशरथ, उनकी तीन रानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीन बीवियां, क्योंकि जब हिंदू धर्म के हिसाब से एक ही शादी करनी थी तो आप करें तो जायज, हम करें तो ना जायज। मीठा मीठा हवा कड़वा कड़वा फूकू, यानी कि जो मुझे के लिए आसान हो मैं उसे बराबर करूं, जो दूसरों के लिए वहां पे हद नाफिज हो जाए, कानून मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। तो होया कि मोहम्मद शासन एक सच्चे नबी थे, उनका लाया हुआ दीन उनका लाया हुआ धर्म ही सच्चा है, लिहाजा क्योंकि उनका जिक्र इन तमाम किताबों के अंदर, राम का जिक्र कुरान में नहीं, राम का जिक्र कृष्ण का जिक्र कुरान के अंदर नहीं, तो इसका मतलब इनका कोई वजूद नहीं। जो आने वाले हैं, और वेदास की एक बहुत ही खास नसीहत है, ये भी वो लोग पढ़ते हैं लेकिन वो देखते नहीं। एव महाबाहो प्रदस्यामि प्रणृत्यानि वो देवदूतानां हि यगन्धश्यम् ऐ मनुष्यादि मनुष्यत्वं यते अर्थादि सत्यास्तु। ऐ लोगों, तुम्हारे सामने वो जब वो ज्ञानी ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, यानी रोशनी, उस एक ईश्वर के इल्म की जो रोशनी लेकर आए, उस इल्म की रोशनी को पाने के बाद उसको कबूल करना, उसको ग्रहण कर लेना, उससे दूर भाग मत जाना तुम्हारे अपनी कामयाबी अपनी भलाई की। यानी अब मेरा फर्ज यहां पे क्या बनता है कि जब मेरे सामने हकीकत आया हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं, उससे इनहराफ ना करूं। मुझे तो स्टार्टिंग डर होता, क्योंकि कोई भी चीज के लिए जब आप प्रिपेयर हो गए और एक अगेंस्ट ऑफ द सोसाइटी जो माशरा है उसके खिलाफ आप कोई काम करोगे तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, निगेटिव रिजल्ट। और एक्सपेक्टेशन ये करो कि 99% आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि एक वो होता है कि अगर मैं किसी के सामने कहूं कि ये चीज हकीकत है, ये सच है, अगर वो सच है तो एक होता है कि सच कहने के बाद सच मान लेते हैं लोग कि हाँ भाई चलो ये सच है, एक अंदाज होता है, हाँ ठीक है भाई आप बोल रहे हैं ये सच ही होगा, अच्छी बात है। एक ये रुख होता है लोगों पर, और एक ये होता है कि सच मानने के बाद उस सच को कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ और वो पावर पैदा करनी पड़ती है, बाहर से एक्सटर्नल नहीं आती, खुद को उस वक्त तैयार करना पड़ता है। अब अगर मार पड़ी तो क्या होगा अंजाम, कहां कहां दर्द होगा, जिस्म के किन हिस्सों पर ज्यादा मार पड़ सकती है, उनकी तैयारी कर लेना। मंदिर को एक रात जो है शाम का वक्त है, सब लोग अपने अपने वो जिस तरह से आपने सुना नौ दुर्गा जी वाले नौ दिनों तक एक पूजा पाठ, उसमें एक ऐसा त्योहार आया अखंड पाठ चल रहा है, सब लोग उधर मगन, हमने पहले जाके जो शुरुआत रसम होती है वो करा दी, क्योंकि हमको भागना था वहां से, अब एक प्लान तैयार हो चुका, सब उधर मगन, पीछे के दरवाजे से हम निकले और भागे। भागने के बाद एक दूसरे गांव में आकर पहले तो हजाम की दुकान में आकर पहले कपड़े उतारे, कपड़े उतार के पैंट शर्ट पहने ताकि दूसरे के लोग पहचाने, और जो चोटी थी हजाम के पास जाकर पहले वो निकल गए और सीधा घर पहुंच गए। वालिदैन जब देखे तो शॉक्ड, एक बहुत बड़ा सबदा छलकाया कि आप क्या क्या है, एक गुरु बनाया था, एक धर्म का धार्मिक था, जिसकी वजह से हमारी भी इज्जत थी माशरे के अंदर, ये ऐसा एक बेहद बड़ा इशू शुरू हो गया। वाले साहब पॉलिटिशियन, खानदान पूरा पॉलिटिशियन, दूसरे दिन से दो तीन दिन के बाद जरा अखबारों में मीडिया में शुरू हो गया, जब मीडिया अपना अवेयर नहीं था, प्रिंट मीडिया था अखबारों के जरिए। अब वाले साहब बाहर जाते कोई अपोजिशन वाला उनको बोलता कि ये देखो ये आए बड़े धार्मिक बनते, इनका लड़का इनका बेटा इतना बड़ा गुरु होकर कैसा हो गया वैसा, अब उनको एक शर्म महसूस होती थी, अब वो जो बाहर बेइज्जती होती थी वो पूरी भड़ास आकर हम पे निकल गई। ये जो दांत है उनकी देन है, मारा तो दांत टूट गया, काला हो गया, सर फटा, पैर में इलेक्ट्रिक शॉक दिए, पैर की हड्डी टूट गई,
बहन के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 7 महीने तक बहन के हॉस्पिटल में ही रहे। जैसा चलना आने लगा हॉस्पिटल से फरार, क्योंकि अब अंजाम यहां तक पहुंचा तो आगे जिद तो वही बरकरार, लेकिन अंजाम इससे भयानक हो सकता है। राजा भाग घर से भागे, बॉम्बे आए। अलहमदिल्ला यही महीना मुबारक था, रमजान का महीना। 20 रमजान बाद नमाज हो गए और मैं आज 20वां रोजा था शुरू। अलहमदिल्ला 15 साल मुकम्मल, 16 साल शुरू हो गया। बाद नमाज मगरिब मोहम्मद अली रोड पर, मेमनवाड़ा मोहम्मद अली रोड पर वहां पहुंचा। एक अल्लाह के बंदे को, बुजुर्ग हजरत को जो है पकड़ा, उनको अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि असद मैं चाहता कुछ नहीं, सिर्फ सलाम को निकलना चाहता। बेहद खुश हुए, मस्जिद के अंदर गए, वहां की कमेटी से, वहां के अमीर से बातचीत की, मैं वहां इस्लाम कबूल किया। उसी वक्त वहां पर तकरीबन रमजान ईद से 2 दिन पहले एक उमराबाद से फारिग आलिम वहां पहुंचे थे। उन्होंने जब मेरे बारे में सुना तो वो मस्जिद के इमाम को उमराबाद का एड्रेस देकर गए, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, ये मद्रास तमिलनाडु के अंदर है जो आमगुर से 8 किलोमीटर दूर। तो हमको जो है मस्जिद के लोग जो वहाँ कमेटी थे पूरा इंतजाम कर दिए और मुझसे पूछे पड़े कि आप क्या करना चाहते हैं। वहां का इल्म सीखा है, अब जिस चीज के लिए जो तय किया है, जिसके लिए ये अंजाम हमारा हुआ, कम से कम वहां का भी पूरा इल्म मुकम्मल सीखें, क्योंकि हमारा फैसला सही है गलत है कम से कम हम तो खुद जज कर सकते, हम खुद फैसला कर सकें कि हमने जो अपने जिंदगी के बारे में जो फैसला किया है, क्या यह फैसला वाकई सिराते मुस्तकीम से लेकर के होता होगा जन्नत की तरफ जाएगा या हमें कहीं और ले जाएगा। बाहर उमराबाद पहुंचे, वहां जाकर के जो है एक साल जो न्यू मुस्लिम का कोर्स होता है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए तारुफ इस्लाम, वो कोर्स एक साल किया। उसमें उर्दू पढ़ना सीखे अली अकबर सरकार वही से शुरू, तो वो तारुफ इस्लाम का कोर्स करते हुए उसके बाद नेक्स्ट ईयर वहां पे 5 ईयर्स का स्पेशल कोर्स होता है, अली कोर्स वो ज्वाइन किया। अलहमदिल्ला वो पढ़ते हुए हैदराबादी साथी वहां पे ज्यादा थे, दक्कन से लगाव हो गया, छुट्टी वहां गुजारते थे। अब ईमान का जरा कुछ ऐसा है, उस्ताद लोग हमको जब पढ़ाते थे तो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि ईमान जो है उसका जोश मारता था, वबला आ जाता था क्या कुछ और करें। उमराबाद से हमने क्या किया, अपने वालिद साहब को दावतनामा एक खत लिखा कि आप जो है मुसलमान हो जाएंगे। तो वहां का जो स्टैंप होता है कि लेटर पोस्ट करें तो वहां का स्टैंप लगता है, वो स्टैंप से उनको मालूम हुआ कि फला एरिया का है। 2 बार वहां की पुलिस आकर के जामिया दारुस्सलाम के अंदर रेड कर रात को आधी रात, वहां के जो सदर थे, जो वहां के सेक्रेटरी थे काका सईद साहब, उनको मैंने पहले अपने बारे में बता दिया जैसा हुआ ऐसा, बगैर परमिशन रेड नहीं कर सकते। तो वो फोन कर देते थे वार्डन को, हम पीछे भाग जाते थे, चारों तरफ पूरी पहाड़ी है, पहाड़ियों में जाके छिप जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। उसके बाद बेलूर में एक न्यू मुस्लिम ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे नौ मुस्लिम लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं वहाँ पर उनकी तालीम तरबियत होती, वहाँ पर 6 महीना रहे। उसके बाद सेक्रेटरी साहब बोले आइंदा से गलतियाँ नहीं करना, पहले पढ़ाई मुकम्मल करो। उसके बाद अलहमदिल्ला वहाँ से फरागत हासिल किए, निकल के हैदराबाद आए। हैदराबाद आकर वरंगल की इलाका है हैदराबाद के करीब में, तो वरंगल से एक जिला और आगे चिटियाल आता है जो नेक्स्ट एरिया है। चिटियाल के आगे एक गांव है बेलचा, और उस गांव के अंदर एक ही मस्जिद है और उसके अतराफ में तकरीबन 10 से 12 गांव है, छोटे छोटे गांव। कभी अगर मौका लगा तो वहां जाके देखिएगा। मैं 11 साल पहले उस गांव के अंदर गया, वहां के लोगों का एक हाल ये देखा कि एक मुसलमान का इंतकाल हो गया था। ना उस गांव के अंदर कोई उर्दू से वाकिफ, ना अरबी से वाकिफ, ना कुरान से वाकिफ, ना दीन से वाकिफ। मस्जिद है लकड़ी की बनी हुई, अब हवा का झोंका आता या जब आता वो पूरी मस्जिद नीचे गिर जाती, वो आलम था। उसी का इंतकाल हो गया तो एक घड़ा पानी डालना, ऊपर से सफेद कपड़े में लपटना, गड़ा खोदना, डाल देना, हो गए जनाजे वहां से, कुछ भी नहीं आना। उस जगह पर 1 साल वहां पर रहकर वहां के गांव वाले उनको
के जो बच्चे थे मुसलमान बच्चे, उनमें से 28 बच्चों को कुरान लिखना पढ़ना, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाया, और 5 गांव के ऐसे लोगों को तैयार किया जिनको कुरान और उर्दू लिखना पढ़ना आने लगे और जुमे का खुतबा देने लायक हो गए, थोड़ा बहुत समझाने। और एक तो क्या बेसिक लैंग्वेज थी तेलुगु, तो उसी एरिया में रहते हुए हमें तेलुगु भी सीख गए। इलाकाई जबान तो किया, मुस्लिम को दावत का काम करना तो वहां की उनकी जबान में बोलना। बाल वहां से निकल के हैदराबाद आएगा। लेकिन उस दरमियान में जब हम हमारे जो मुसलमान साहब से कभी उलमा से बात होती थी, तो हम जो है दावत का काम करते हो, उसके साथ बाहर एक हादसा ऐसा हुआ कि कुछ नौजवान बच्चे जो थे गांव के, उनको हमने नमाज के लिए बुलाया। अब उनको तो मालूम था कि गांव के जब सदर को मालूम हो गया कि फला फला इनकी हिस्ट्री है, वो दूसरों को बोलते थे, पूरे गांव को मालूम हो गया। अब वो बच्चों को जो जब नमाज के लिए बुलाता था तो बच्चे जवाब दे रहे हैं, मौलाना आपको जुमा जुमा 8 दिन हुआ इस्लाम कबूल किए हुए, हम तो बाबा दादा से मुसलमान, हमें तो सभी मालूम। ये अंदाज था हमारा, हमें सब मालूम, हमें जन्नत को जाते हैं, तुम्हें जाओ नमाज पढ़ो, हमारा बोलो। ये अंदाज था अल्लाह, आप बहुत अच्छे मुसलमान। उस वक्त जब ये रिजल्ट हमारे सामने आया, और एक नहीं बारहा आया, एक मदरसा भी कायम किया, बाहर वो एक चीजें थी जो हमें गैरों से नुकसान था, मुगलों से नुकसान ज्यादा, जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुरान को पढ़ा हमने समझा नहीं। अखलाक के जो हमारे अंदर एक मेरा उसको डेवलप करने की जो चीज है, जो किताब है हमारे अंदर, किताब कुरान जो एक लॉ है, एक वे ऑफ लाइफ बुक है, निजाम हयात जिंदगी, यानी जिंदगी किस तरह से गुजारना, उसका मुकम्मल कानून एक हमारे पास लॉ बुक है, उसको हमने क्या किया, पढ़ते चले गए लेकिन समझा नहीं। तो उसका नतीजा क्या होगा जब नहीं समझने पर, कुरान तो हिफ्ज करने के बाद सीने में तो रहा लेकिन फिर उस पर अमल नहीं रहा। अल्लाह ताला शिर्क से बारहा मना करता और बारहा फिर शिर्क करता। तो मैंने अपने लिए एक रास्ता इख्तियार किया कि मैं आज से ना महदूद दायरे के अंदर रहूंगा, ना महदूद किसी भी अकायद नजरियात और फिक्रियात को अपने अंदर ऊपर हावी होने दूंगा। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ितु लकुम इस्लाम दीन। अल्लाह ताला कि हम आज के दिन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिए और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, वरज़ितु लकुम इस्लाम दीन और इस बात को पसंद किया कि तुम्हारा दीन इस्लाम है। तो मेरा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम, हुआ समा कबूल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो मेरा दीन इस्लाम, मैं मुसलमान, ये मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ, ये मेरे लिए काफी। अब और महदूद मजीद जो है जरूरत नहीं। तो मैं किसी भी जमात या फिक्र से बिल्कुल दूर अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ काम करता हूँ, हर जमात के साथ काम करता हूँ, और खास तौर से उन लोगों को कहता हूँ कि आप गैर मुस्लिमों के लिए दावत का काम करोगे, मैं आपके साथ हूँ। यानी जो जमात गैर मुस्लिमों के लिए दावत का काम करती है, मैं उनके साथ होता हूँ। और मैं अपने ऊपर, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ा इस्लाम की, पहले तो जब कुरान पढ़ता था और वेदास का रिसर्च करता था तो कुछ और चीजें मेरे सामने आई कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई होता है, रुहमा बैनहुम, कि वो आपस में बड़े रहीम होते हैं, और सहाबा इकराम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा लक़ब दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ुहुम। वो क्यों दिया, उनके क्या अमल की बिना पर अल्लाह ताला ये सर्टिफिकेट दे रहा है। तो ये तमाम चीजों पर गौर करके मैंने देखा कि एक जमात दूसरे को, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लान तान कर, इन चीजों से घबरा कर मैं दूर हटा, एक महदूद नजरिया अब मैं अपना नहीं बनाऊंगा। और मसले मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बेहद और बेशुमार मुफ्ती और आलिम उनके सुपुर्द करूंगे, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा किसी भी मसले। आज भी मैं ना कोई दीनी दवाज देता हूं, ना मैं किसी दीनी मसले पर अगर मुझसे कोई दीनी मसाइल पूछता है तो मैं उसका जवाब नहीं देता। वाज़े अंदाज में कह देता हूं कि भाई आप जो है उलमा इकराम से रुजू करता, मेरा जो काम है वो मैं गैर मुस्लिमों में दावत का काम करता हूं, कंसर्न टॉपिक पर क्वेश्चन करें
उसका जवाब आपको दलाल के साथ मिलेगा। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी कि मैं आपको अगर मुतमइन नहीं कर सका उसमें मेरी गलती होगी। और उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी यानी कि गैर मुस्लिमों के लिए दावत दीन का काम शुरू किया। उसके बाद हैदराबाद आया, वहाँ शादी हुई, फैमिली वहीं सेटल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह चार बेटियां हैं, मेरी अहलिया भी हाफिज और आलिम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दावत दीन का काम करते हैं। अब तक मेरी अहलिया के जरिए उनकी दावत से कमोबेश 150 से 200 औरतों ने इस्लाम कबूल किया गैर मुस्लिमों। और आंध्रा, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो टोटल एक स्टेट है उसके तीन हिस्से हैं, एक तो तेलंगाना, दूसरा आंध्रा, तीसरा रायलसीमा। तो आंध्रा साइड का एक पुजारी थे, उनका नाम था अनिल चौधरी। हम उनको एक बार दावत दीन इस्लाम पेश किए, अल्लाह का बंदा बेहद सुलझा हुआ, तेलुगु जबान पर कमांड है, अगर वो तेलुगु में बात करते पूरी तेलुगु कम्युनिटी सिर्फ कान तेज करके सुनती है और कुछ नहीं करते। वैसा बंदा इस्लाम जब कबूल किया तो उस्ताद से फिर उसको वो मैंने जो ट्रेनिंग दी वेदाचार्य की हिंदू स्क्रिप्चरों के बारे में, उसने जो तेलुगु लोगों के इलाकों में जाके जो काम शुरू किया 750 से 800 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। और कुछ लोग जो अपनी फैमिलियों के साथ इस्लाम कबूल किए हैं वो वहीं रह गए, बेशतर लोग क्या उनके घरों से निकाले जाते हैं, उनके समाज से निकाले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नाचिस के ने भी तकरीबन 300 से 350 लोग इस्लाम कबूल किए हैं अपनी खुद की दावत से। तो उस्ताद से ज्यादा जो है शागिर्द एक कदम आगे बढ़ा, इन्ना ला तहदी मन अहबबता वलाकिन यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम। ये अल्लाह का फजल शामिल है कि अल्लाह ताला ने वो तड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बाहर जो भी काम कर रहा हूं अल्लाह रियाकारी से बचाए और इखलास दे काम के अंदर, लेकिन बोल इसे ले रहा हूं कि आपके मेरे भाइयों के अंदर भी वो जौक पैदा हो। बोलना आप लोगों के सामने मकसद ये है कि हम इस्लाह की मजलिसें तो बहुत हमारी होती है, कभी दावत के लिए भी जरिए काम करें, क्योंकि हमारा जो रोजमर्रा का लेन देन बातचीत जिंदगी के बेशतर मामला में हम गैर मुस्लिमों से मुंसलिक होते रहते हैं, कभी हमने उन्हें दावत दीन भी दी या सिर्फ लेन देन करके छोड़ दिया, कारोबार करके छोड़ दिया, क्या वो उनका हक नहीं बनता आपसे कि वो पूछें, या आपका हक नहीं बनता कि उन्हें जो है आपको जो हक मालूम हो दूसरों तक पहुंचाए। आज वेस्टर्न कंट्रीज के इतने सारे ब्रांड्स हैं, वो इतनी कम वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर, 1428 साल या 29 साल हो गए लोगों के कुरान को आए हुए सुबह जमीन पर। और आज हम, मेरे को बड़ी अफसोस यानी कि जब मैं हिंदुस्तान की तारीख देता हूँ, अपने मुसलमानों के बादशाहों की तारीख देता हूँ, बेहद अफसोस होता है, बहुत कुछ गुस्सा आता है। 1000 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की, 1974 तक निजाम की हुकूमत दक्कन में रही है। क्या ये असलाफों अगर दीनदार होते, दावत दीन लोगों को देते होते, अच्छे अखलाक के साथ गैर मुस्लिमों तक दीन पहुंचाते होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर हमको जो है माइनॉरिटी नहीं बोला जाता, पूरी की पूरी मुमलिकत मुस्लिम मुमलिकत होती। जिम्मेदारी हमारे असलाफों ने जो गलती की उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा। इसलिए दीन की दावत इस्लाह को दावत मत करें, इस्लाह हमारी अपनी जो हम खुद अपनी जाती जिंदगी जो गलतियां हैं उन्हें हम दुरुस्त कर लें, उसे हम इस्लाह, लेकिन गैर मुस्लिमों पर दावत, वो दावत जिसको जो मिशन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर लेकर आए, और फिर वो जिम्मेदारी सहाबाए किराम ने निभाई, ताबईन तबे ताबईन ने निभाई, आज हम इस दौर में जिंदा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वरना मैं ये कहूँ, आज अगर मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बेदीनियत की हालत में, फिर मैं बेटा हमने जहां तक जितना तक पहुंचाया, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा ऐसे, क्योंकि मेरा भी हक बनता है कि सवाल करूं, अगर आप में से कोई अगर मेरे दादा को या मेरे वालिद को दीन इस्लाम पहुंचाए होते
आपके उनकी हम उम्र के होते, कोई दीन पहुंचाए होते, शायद मैं बच्चा था, मैं दीन को पहुंचाया उनके सामने, तो वो बच्चे की बात समझ के टाल गए। कोई आप हम उम्र होते, उससे कोई अगर अपना फर्ज समझ के उनको तक दीन पहुंचाए होते, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते तो क्यों ये जिम्मेदारी नहीं बन पाई किसी ने? तकलीफ इस बात पर होती है, हमारे हम जो काम करते हैं बेहद लोग गैर मुस्लिम के अंदर प्यासे हैं, उन्हें प्यास लगी है, पानी नहीं चाहिए, हक चाहिए, अच्छे अंदाज में चाहिए, गाली के अंदाज में नहीं चाहिए, बुरा और भला बोलने के अंदाज में नहीं चाहिए, दिल को खाने के अंदाज में नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आपसे उनको हक मालूम हो, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन या अपकमिंग जनरेशन या यंग जनरेशन है, इन्हें तो दिन के दिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, दे आर ब्लैंक, कोरे पन्ने हैं। आप चाह रहे हैं तो उसके अंदर एक अच्छी इबारत ले सकते हैं, आप अपने अखलाक समूह के अंदर एक बेहतरीन मजमून ले सकते हैं उनकी जिंदगी पर, यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये जिम्मेदारी, अहमद आया वो इस्लाम को कर रहा, उसने दावत का काम करता, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, हर उस मुसलमान की जिम्मेदारी जो अपने आप को कलमा गो मुसलमान कहता, हर एक की। सिर्फ जाकिर नायक का काम, अहमद पंडित का काम, गैरों तक दिन पहुंचा करके बड़ी जिम्मा इख्तियार कर लेंगे पूरी कौम की तरफ से, यह नहीं हो चलना, हर एक को दावत का काम करना, हर एक को जितना हद तक इम्कान कोशिश करें, क्योंकि एक चीज है, हम किसी के ऊपर दारोगा बना करके नहीं भेज सकते, हम किसी को हाथ पकड़ के जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का जिम्मा हमारा नहीं, लाइफ आफ्टर डेथ जोर जबरदस्ती है ही नहीं, लेकिन हम कम से कम सहल अंदाज में, अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक के साथ गैरों तक दीन तो पहुंचा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि अपनी लब कुशाई उनके सामने कर सकते, इतना तो हम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे भाइयों, यहां पर बैठने वाले मेरे तमाम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझसे बड़े काबिल एहतराम बुजुर्गों, मेरे हम उम्र भाइयों, मेरे से छोटे जो उम्र के मेरे काबिल शफकत मेरे भाइयों, बच्चों, मेरी माँ और बहनों, औरतें भी अगर गैर मुस्लिम कोई भी किसी माँ बहन के कॉन्टेक्ट में है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो जो है दावत है दीन पेश, क्योंकि जो काम मर्द नहीं कर सकते ना, वो औरतों की बात बहुत जल्दी असर होती है, चाहे वो दीन की बात हो या दुनिया की बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, क्योंकि ये मेरा जाती मुशाहिदा, मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ ने जब 150 लोग उनके अंदर उनकी दावत से इस्लाम कबूल कर सकते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हर उस माँ बहन के दावत के जरिए कोई ना कोई औरत जरूर इस्लाम कबूल कर। और एक खास मैसेज जो मैं हर वक्त और हर जगह देता हूँ, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा और आपको ये कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लोग अपने बच्चों को इमरान बनाने की कोशिश करें और अपने आप को इमरान के वालिद बन करके बताएं, जिस तरह से मेरे दोस्त के इमरान के वालिद थे, और वो बच्चा जो इमरान था, जिसके अमल से, जिसकी दावत से, जिसके अमल से, जिसके अखलाक से, जिसके कैरेक्टर से, आज एक आचार्य संजय प्रसाद द्विवेदी ऑल इंडिया बिरला ग्रुप ऑफ टेंपल का हेड प्रीस्ट और ब्राह्मण एसोसिएशन का प्रीस्ट प्रेसिडेंट आपके सामने अहमद पंडित बन के बैठा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल मुनीम बन के बैठा हुआ है, हो सकता है ये कोई बईद नहीं, कोई ना इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि आपके बच्चों के अमल से, आपके अमल से कल कोई दूसरा एक आचार्य संजय प्रसाद दुबे एक मोहम्मद अब्दुल मुनीम बन करके आपके सामने फिर आ सकता है, कोई बईद नहीं है, लेकिन जरूरत है कि उसको प्रैक्टिकल करने की। हमने थ्योरियों में बहुत, हमारे पास लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर इतनी किताबें कि पढ़ते पढ़ते जिंदगी जब खत्म हो जाएगी, किताबें खत्म नहीं होंगी। और हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं
हमारे असलाफ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सहाबा इकराम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ईमान बहुत ताजा हो जाता है और सिर्फ उस वक्त तक ताजा रहता है जब तक कि बयान करने वाला बयान करता है या हम जब तक किताब बंद नहीं कर देते। जैसा किताब बंद, ईमान उसके 10-15 मिनट के बाद में हवा कहां हो जाता पता नहीं चलता। आमतौर से हैदराबाद में हमारे एक जमाने में दखली जमाने में बोलते सुन सुन के सुन हुआ बाहर निकलते मुंड हुआ, और वह वाकई है। आप अगर आजमा के देखना चाहें तो देखें, आप अगर एक घंटा दिलामेज बलेवा अंगेज शोला बयानी दलाए के साथ किसी को डरा करके बयान करने तो सुनने वालों की थरथराहटें आ जाती, कांप उठते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब आवाम का ऐसा रिएक्शन होता है सुन सामीन का कि अब उठ के पता नहीं कौन सा इंकलाब आने वाला है। और जैसा बयान खत्म मस्जिद से बाहर आए आधा घंटा हुआ नहीं और हमारे नौजवान साथियों के दोस्त मेरे हाय हेलो इधर बोलते नहीं कि जो कुछ भी सुना उसके बाद आप जाकर के फना नाइट के आगे पूछे कि भाई आपने क्या सुना, अंदर मौसम कुछ बयान करके क्या बोला कर जरा बताइए। बयान तो कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में बोला, जोश वाले अंदाज में, पर क्या बोला पता नहीं, लेकिन जो बोले बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये हाल है, जो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, जितना बोला बहुत अच्छा बोला, हमको समझ में नहीं आया क्या बोला। तो ये अंदाज वाले भी जो है अपने अंदर तब्दील लाए, तब्दीली लाए, कम से कम थोड़ी बहुत कोशिश जिद्दोजहद एक वन स्टेप फॉरवर्ड एक कदम आगे आकर के तो देखें इस काम के लिए, देखिए कितना मजा मिलता है। यकीन मानिए मैं आज से 7 साल पहले यानी मैं अपने घर से निकलने के 7 साल के बाद टोटल 15 साल हुए, 8 साल पहले मैं अपने घर गया, शादी हुई, शादी के बाद मेरी बड़ी बेटी पैदा हो गई, मेरी जॉब चले गई और अलहमदिल्ला हैदराबाद में आकर के आप पूछ सकते हैं हैदराबाद के अंदर जितने भी स्कूल है जूनियर कॉलेजेस हैं हर जगह मेरा नाम आपको मिलेगा। यह रिकॉर्ड मिलेगा कि 8 महीना 4 महीना 6 महीने ज्यादा यह काम ही कर पाता होता ही है कि मैं जिस स्कूल में जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ मेरे को स्टाफ जो होता है गैर मुस्लिम उसको दावत दिन दिया और मैनेजमेंट को मालूम होते मेरे को सीधा रस्ते करके सीधा किका होगा बाहर कहता हूँ। रास्ता हमको हर जगह देख रहे नौकरी चली गई थी, फाइनेंशियली तौर पर बड़ा क्राइसिस था, हमारे क्यों कहीं और किसी से मदद लें, वालिदैन के पास जाते, मैं उनका औलाद हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, फिर हक बनता मैं पूछूंगा वो मेरी मदद करे। हम पहुंचे अपने घर दखनी अंदाज शेरवानी टोपी अबुल कलाम आजाद की टोपी शेरवन है। जैसा घर पे पहुंचते हैं वाले साहब पहचान नहीं पाए, पहले तो घर का जो वॉचमैन था जिसने बचपन से देखा वही नहीं पहचान पाया, उसको बोला अरे मैं संजय हूँ, बोलता तो बाबा आप जाइए छोटे बाबा आज भी आपका दिमाग वसी है नहीं मारे देंगे तो अंदर गए। वाले साहब बाहर आए, वाले साहब बोलते मुसलमान को तो नॉट अलाउड, हमारे घर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ऑफिस में मिल सकते घर के अंदर नहीं, घर के अंदर आए तो फिर गंगा का पानी छिड़कते या तो फिर गाय का पेशाब वो डाल होता है वो बता रहा हूँ। मुस्लिम नॉट अलाउड इन साइड प्रैक्टिस। अब माँ को मैं पापा को बताया कि मैं संजय हूँ ये हूँ, देखते हालत देखते गुस्से में आ गए, ये क्या सकल सूरत बना ये क्या वेशभूषा बनाया, चल पहले दाढ़ी निकल के आके तुम्हारा कपड़े उतार कर। अब लड़ाई हमारी चल रही थी बाहर, माँ आवाज सुन के बाहर है हाथ पकड़ के लेके गई, माँ को मैंने समझाया बताया कि मेरा ये ऐसा ऐसा कंडीशन सिचुएशन है, मैं ये मेरी नीड है ये मैं हेल्प के लिए आया। हिंदू धर्म में एक चीज और है पति परमेश्वर, यानी कि जो कुछ भी करना है पति की आज्ञा के बगैर नहीं, बोला चाहे अगर मेरी माँ चाहती तो मेरे हेल्प हो जाता बगैर उनके इनको, लेकिन पति परमेश्वर है ना यानी वो भगवान का रूप है, उनसे परमिशन के बगैर कुछ नहीं है।
उन्होंने पापा को बोला ऐसा ऐसा जरूरत उसके लिए है, पापा को तो मौका चाहिए था, ग्रीप आ गई, अब यह आएगा शायद पलट कर। उन्होंने कहा बेटा हम 2 दिन के बाद आपसे बात करेंगे। 2 दिन के बाद मेरे वाली साहब से मेरी मुलाकात खाने पर, रात के खाने की मेज पर होती है। वाले साहब आते हैं 8 फाइल लेकर, बेटा ये है घर के होटल जो अपना खानदानी तजारत, जमीन जायदाद घर का, घर के पेपर, होटल के पेपर और बेशुमार जो प्रॉपर्टी सब इकलौते हो ये आपके नाम करवाओ। बीवी बच्चों को छोड़ो ये शर्त है, जितनी दौलत चाहिए इसमें से दे दो और आपको वापस हिंदू बन करके वही संजय बन के वापस आना। बोला अगर नहीं आया तो आपकी सारी जायदाद में से बेदखल हो जाएंगे, आपके हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी आपके 3 बहनों में बढ़ जाएगी और जिंदगी में कभी अगर इस गलती का एहसास हो जाए तो वापस फिर हिंदू बन करके आ जाना, तुम्हारी बहनें तुम्हारा शेयर दे देंगे, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। क्या वसीयत बन गई? उसी वक्त जो निकला हूं आज तक फिर वापस घर में नहीं गया, क्योंकि अगर मैं वापस जाता हूं तो मेरे साथ साथ मेरा जो इतनी तकलीफें उठाया, जो इल्म हासिल किया, जो किसी को अपने साथ अपनी जिंदगी किसी वादे के साथ में शरीक हयात बनाया, इन सबके साथ वादा खिलाफी होती है। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह के साथ जो वादा किया उस वादे की खिलाफी होती है। और फिर वही जहन्नम से निकल करके जिस सिराते मुस्तकीम पे चल रहे थे फिर पलट करके उसी जहन्नम के रास्ते में जाना। तो उस गम आज भी नहीं है वो तमाम चीजों को छोड़ने का या उस चीज को तर्क कर देने का, उसको जो ठोकर मार देने का, क्योंकि दावत का जब काम करो बहन ऐसा मजा आता है। और कभी अगर दिल को तकलीफ हो तो कुरान पढ़ो, इतनी सुकून, इतना सुकून मिलता है कि उसके ये जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, नॉवेल्स हैं, इनको पढ़ने में उतनी चाशनी है, उतना मजा नहीं मिलता, उतनी तस्कीन कल नहीं होती जितना कि कुरान को आता है। ना मैं बता रहा हूं मेरा जाती मुशायद है कि मैं जब कभी मुझे तकलीफ होती है मैं सिर्फ कुरान पढ़ता हूं, यह मैं कुरान की कैसे बारे सुनता हूं, मुझे बेहद सुकून मिलता है क्योंकि मैं उसी किताब को पढ़ करके आज यहां बैठा हूं। आप भी हम सब अगर उस दीन के काम में दावत के काम एक स्टेप पे फॉरवर्ड आते हैं देखिए उसके बाद उसका मजा, उसकी चाशनी देखिए। दुनिया की किसी भी चीज में उतनी लज्जत नहीं है जितनी इसमें है, इतना है तकलीफ में तो आएंगे। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 100 गैर मुस्लिम लोगों को दावत दीन दे दिया, एक भी इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं क्या करूं? तो रिजल्ट का आपके ऊपर नहीं है, इनमें गलाता है भी वहां पर आपका काम नहीं है कि आप किसी को हिदायत दे दें, आपका काम है मैसेज पहुंचा देना। मैसेज किस अंदाज में पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके जवाबदेह हम होंगे। लेकिन मैसेज पहुंचा देना बस हमारी जिम्मेदारी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके लिए दुआ करना कि अल्लाह इसे ही रहते हैं। बस आप लोगों के साथ कोई लंबी छोड़ी तक ना करते हुए इन्हीं इंतजात के साथ मैं खत्म करूंगा कि मेरे भाइयों फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि अपने आप को कम से कम इमरान के वालिद और अपने बच्चों को इमरान बनाए, बेटियां हैं तो उन्हें भी दीनदार बनाए, क्योंकि उनके पास जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले उनकी जो क्लास फ्रेंड है गैर मुस्लिम हो उन्हें भी दावत दीन पेश कर सके, अच्छे अंदाज में पेश कर सके। तो दीन अल्लाह ताला दुनिया कमाने से किसी को नहीं रोकता है। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना वो फिर आखिरत हसना वो क्या हसा बना, कितनी दुनिया कमाओगे आप कमाइए ना। मैं तो कहता हूं कि दुनिया का सबसे जितना भी इकोनॉमी है, दुनिया की जितनी भी दौलत है सबकी सब मुसलमान के कब्जे में आए। वो इसलिए आए क्योंकि मुसलमान के पास एक साबिते किताब है, वे ऑफ लाइफ है, उसको किसके साथ कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना ये इंसाफ सिर्फ मुसलमान कर सकता, वो मुसलमान जिसको वो किताब मालूम जो वो पढ़ा हुआ। अल्लाह ताला एक मिसाल के साथ मैं खत्म करता हूं कि हम अल्लाह ताला रज़ाक है और
रब्बुल आलमीन है, यानी सारे जहां का पालने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला रज़ाक होने के बावजूद आज दुनिया के अंदर लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला जालिम है? नज़ुल्ला क्यों फिर लोग भूखे सो रहे हैं? अल्लाह ने तो वादा किया मैं रज़ाक हूं, मैं लोगों को खिलाऊंगा, लेकिन उसकी एक वजह वो ये है कि अगर मैं मिसाल देखिए कहूं कि दाना होता बीज, बीज जो खेत में बो जाता, उस बीज को टेबल पे अगर मैं यहां रखूं और 100 मुत्तकी लोगों को आकर के कहूं कि दुआ कर गया, इस एक दाने को 700 दाने बना के बताए, 700 साल में बैठ गए तो एक दाने के 700 दाने नहीं बना सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस एक दाने के 700 दाने बनाने का एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम फॉलो करोगे तो जरूर एक दाने के 700 दाने होंगे, और वो क्या है सिस्टम? आपको उसके लिए एक ज़रख़ेज़ ज़मीन तलाश करनी होगी, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो ज़िराअत के लायक, उस जमीन को हमवार करना होगा, और हमवार करने के बाद में उस दाने को वो जमीन के अंदर गाड़ना होगा, इतना अंदर भी मत गाड़ो कि वो दाना सड़ जाए, इतना दाने को ऊपर भी मत रखो कि पानी डालेंगे तो वो दाना बह जाए, एतदाल। उसके बाद उस दाने को रखने के बाद उसकी देखभाल, उसमें खाद डालना, पानी डालना होता है, सूरज अल्लाह ताला की रोशनी वो तो डालेगा, अब बताइए जमीन अल्लाह की, पानी अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, दाना अल्लाह का, उस दाने को जमीन से फाड़ कर जमीन से ऊपर ला करके एक पौधे की शक्ल में लेकर आता, और कभी आपने गेहूं की खेत देखी, गेहूं की बाली देखी है, उसकी खेती देखी है? मैंने देखा है, उसकी एक एक बाली अगर गौर करें तो एक एक बाली में कम से कम 30 से 40 दाने होते हैं, और ऐसे तकरीबन 15-20 बालियां होती हैं, कभी गिन लीजिए कमोबेश 700 दाने हैं, उस कम में ज्यादा भी हो सकते एक बीज से। तो ये वो सिस्टम है कि एक दाने के अल्लाह ताला 700 दाने। अब ये बताइए कि एक दाने के 700 दाने होने के बाद हमारा शेयर कितना बनता है उसमें, और अल्लाह का शेयर कितना बनता है? हम अल्लाह को कितना हिस्सा दें उसमें, और हम कितना हिस्सा रखें? मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं बनता हमारा, फिर भी अल्लाह ताला बोलता है कि तुमको जितनी जरूरत है वो रख लो, और माँ बाप ने जो बच जाता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। क्या है ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह? नफक, और नफक क्या है? कभी नेफा देखे? नेफा नाम सुने? नेफा हम तो पहनते हैं ना, पैजामा जो होता है, पैजामा देखा है? पैजामे के अंदर जब नाड़ा डालते हैं तो उसके एक सिरे से डालते हैं, दूसरे सिरे से निकलता है, फिर दूसरे सिरे से डालते हैं तो तीसरे तरफ से कहीं ब्लॉक होता है? वो नहीं होता। नफक के मानिए कि उसको आप जो है ब्लॉक मत करें, जो अल्लाह की राह में आपको जो अल्लाह ताला दिया है, आपको जितनी जरूरत है उसे रख लें, और बाकी जो चीज है माँ बाप की चीज उसको ब्लॉक मत करें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों में सर्कुलेट करें, उसे रोटेशन में लाएं, तभी लोग भूखे नहीं मरेंगे, और अल्लाह का वादा रज़ाक ऐसा होगा। आज FCI के गोडाउनों में आप देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउनों में लाखों टन गेहूं सड़ गया, भूसा बन गया, समुद्र में फेंक रहे हैं, इसलिए लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास लॉ बुक नहीं है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया है, कुरान में दिया है उनको, ये लॉ बुक दी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंदर बताया है। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की सारी इकोनॉमी मुसलमान के कंट्रोल में चाहिए, दुनिया का खलीफा बना करके हमको भेजा था इस दुनिया के अंदर, अल्लाह की जमीन में अल्लाह के कानून को नाफिस करने के लिए भेजा था, हम बन गए महकूम, हमको गुलामी पसंद है, हमको सिर्फ वेस्टर्न कंट्री के लोग जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हम खरीद के सिर्फ इस्तेमाल करना था, हमने इंसानियत को क्या दिया? आज हमसे दुनिया की इंसानियत को कौन को फायदा क्या है प्रैक्टिकली तौर पर कंस्ट्रक्टिव वर्क? मैं एक चीज रब्बना मा खलक तहादा बातें, फ्लेमिंग आइंस्टाइन का नाम सुना है कभी किसी ने? कोई अगर मेडिकल डॉक्टर है यहाँ पे उन्हें मालूम होगा कि जो पेंसिलिन का इंजेक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है? रब्बना मा खलक तहादा बातें,
दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को राय ना पैदा नहीं किया। आप खाना रखते हैं जो अगर वो 4 से 5 दिन और जो है बासी हो जाए तो उसके अंदर फंगस आ जाता है, फंगस व्हाइट कलर का बूंद जिसको बोलते हैं। उस बूंद से फ्लेमिंग एंजाइम ने पेंसिलिन इंजेक्शन का फार्मूला बनाया और आज उस फार्मूले को दुनिया के अंदर खुला छोड़ दिया। उस फार्मूले की रॉयल्टी नहीं ले रहा तो इंसानियत के लिए कौन काम कर रहा? वो हम क्या कर इंजेक्शन लेते चले तो दुनिया में हुकूमत कौन करेगा? कुरान पढ़ा उन्होंने, समझा ज्यादा, ईमान नहीं लाया वो पता लगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो तहकीक कर अल्लाह के जो खजाने जमीन और आसमान के, जमीन और आसमान में उसकी तहकीक उन्होंने की, जबकि जिम्मेदारी हमारी थी। हमें जमीन का खिलाफ बनाया गया, हमें जो है वक्त जमीनों में फैल जाओ और अल्लाह का जिक्र तलाश, अल्लाह का फजल तलाश करो। ये किसके लिए कहा था? तहकीक जमीनों के अंदर करने के लिए किसने कहा, किसको कहा? हमें कहा। नहीं कर सके तो मेरे भाइयों इन जिम्मेदारियों को हम समझें। बस इसके साथ ही मैं खत्म करता हूँ। जो कुछ भी अगर दिल दुखाने वाली अगर मैंने कुछ कड़वी बातें कही हूँ उसके लिए बेहद माफी चाहता हूँ। पर क्या करूं, कुछ अपनों को कुछ खैरों को झिझोड़ने की जरूरत पड़ती है। कभी खुद मैं अपने आप को भी झिझोड़ लेता हूँ क्योंकि अगर हम भाई साहब मुसलमान अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर एक आदमी को सिर्फ दावत देने की जिम्मेदारी है मेरा समझ, तो बताइए कि दुनिया में इतने मुसलमान हैं, ये जितने घर मुस्लिम लोग हैं उनमें से आधे लोगों तक दीन इस्लाम पहुंच जाएगा। और इल्ला माशाल्लाह ये चीज कोई दूर नहीं, उनमें से कई लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। आप क्या जानते हैं? आप समझते हैं कि वो कट्टर है, वो नफरत भरे हुए हैं, वो बुरे हैं, उनको ऐसा बोलेंगे तो उसको पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेगा। एक बार कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है कि आपकी मीठी बात से उनका कट्टरपना खत्म हो जाए। उनके अंदर जो तशद्दुद भरा हुआ है उनके जहनों को पहले मत देखिए, पहले आप क्या कोशिश कर रहे हैं वो देखिए, हम क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उनके अंदर तशद्दुद है, वो अगर बुरे हैं तो उसकी एक वजह है। आपके कुरान पढ़कर सिराते मुस्तकीम पे आकर आदम और हवा की सभी औलादें हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जैन हो बुद्धिस्ट हो या कुछ जो भी मजहब को मानने वाला, ये एक ही माँ बाप के भाई हैं, बेटे हैं। तो हम क्यों ये नहीं समझते कि हम एक बेटा है उस माँ बाप के, ये हमारे पूरे भाई हैं। हम कुरान को पढ़कर सिराते मुस्तकीम हासिल किए, सही रास्ते पर हैं हम, मेरे दूसरे भाई गलत रास्ते पे रहे, गुमराह हो गए हैं, क्यों मैं अपने भाइयों को जो है सही रास्ते पे ना लाऊं? ये तसव्वुर क्यों नहीं आता है जहन में? उनको उन मजहबों से उनके अकीदों से क्यों आप देख रहे हो? ये देखो, अगर एक माँ बाप एक घर में 4 भाई है, एक भाई शराबी निकल जाता है, एक भाई जुआरी निकल जाता है, एक भाई अच्छा रहता है, वो बड़ा रहता है, सरदार होता है घर का, जिम्मेदार होता है, वो क्या करता है? अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को डांट कर मार कर सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, प्यार से जो है सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। तो हम क्यों ये तसव्वुर नहीं करते ये बुद्धिज्म है, जो जैनी है, ये जितने भी दूसरे मजहबों को मानने वाले, ये भी हमारी माँ बाप के जो है औलादे हैं और ये भी हमारे भाई हैं। ये गुमराह हो गए, इनको नहीं मालूम। क्यों हम अपने भाइयों को अच्छे अंदाज में दीन पहुंचाकर उनको सही रास्ते पर क्यों ना लाएं? क्यों ये हमारी जिम्मेदारी को हम क्यों नहीं समझें? ये जिम्मेदारी अगर हम आज से समझें इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट हमारे सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल मुनीम अहमद साहब, आपने तूफान से तारीफ की, अपनी पूरी दास्तान सुनाई, साथ ही साथ इस रास्ते में जो कांटे आए, जो मुश्किलात आई उसको बयान किया और आखिर में आपने वो पैगाम दिया जो हम सबकी जिम्मेदारी है। बहैसियत मुसलमान हम पर क्या जिम्मेदारी बनती है, बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के इस्लाम के नाम को फैलाने का जो फरीदा बनता है उस फरीदे को याद दिलाए। अगर आज हम इस मजलिस से यह आहद लेकर जाए कि अल्लाह ताला के दीन को हम दुनिया में फैलाएंगे, अल्लाह ताला के नाम को आम करेंगे,
तो हमारा ये कही है, मैं समझता हूँ कि आज की 29 का हस्तमानसक हो, काफी देर हो चुकी है, तो मौलाना फारूक साहब से दोनों दुआ नहीं रख सकते। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عافينا من كل بلاء الدنيا ومصيبتها وفتنتها وعذاب الآخرة اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وحج من يحج منا ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.